हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो तो अच्छे होंगे। अब तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज हम आप लोगों को सीए फाइनल एफआर की नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए एमटीपी 2 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? एमटीपी 2 अटेम्प्ट सर नवंबर 24, सब्जेक्ट सीए फाइनल एफआर। सर एक बात बताइए, एमटीपी 1 का क्या रहेगा? मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल एफआर के जो एमटीपी 1 है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी चैनल पे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर आरटीपी का क्या रहेगा? सीए फाइनल एफआर की नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सीए फाइनल एफआर के ना जितने भी सर बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पर एमसीक्यू हैं, मैंने सारे के सारे एमसीक्यू कवर कराए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी सर एफआर के अभी तक केस सिनेरियो आए हैं, चाहे सर वो आपका बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे है, आपका अभी तक जितनी आरटीपी है एमटीपी है सर उनमें केस सिनेरियो आए हैं, सारे के सारे केस सिनेरियो मैंने एक सिंगल वीडियो में कवर किए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने क्या किया, उस वीडियो में ना जो टाइम स्टैम्प है वो बना दिया है ताकि सर आप ना केस सिनेरियो वाइज उसे आइडेंटिफाई कर पाए। मैंने केस सिनेरियो वाइज सर टाइम स्टैम्प बना रखी है और उसको कमेंट बॉक्स में दे रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और जितने भी सर केस सिनेरियो हैं उसकी जो फाइल है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं एमटीपी 2। एमटीपी 2 को स्टार्ट कराने से पहले एक दो बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। एक तो ये जो वीडियो है ना ये रिविजन पर्पज के लिए है, इसलिए मेरी जो बोलने स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, मैं सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कॉन्सेप्ट कवर करा पाऊँ। सेकंड आप क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि मैं ना बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, तो आप क्या करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ साथ लिख सकते हैं। आप सर कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। मैं इस एमटीपी के जितने भी सर आपके केस सिनेरियो हैं, सर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे कवर कराऊंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डुप्लीकेट क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन पहले कहीं कवर है या ना हो, मैं कंप्लीट एमटीपी सर यहीं पर कवर कराऊंगा। अगर आप केस सिनेरियो में देखेंगे ना तो अभी मैंने जो केस सिनेरियो की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें से सर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, लेकिन मैं तब भी सर आपको सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ठीक जी सर, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं केस सिनेरियो 1 से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर हमें एग्जाम में केस सिनेरियो कैसे हैंडल करने चाहिए। देखिए दोस्त, अगर मैं पर्टिकुलर इस एमटीपी की बात करूँ तो इसमें केस सिनेरियो थोड़े से हल्के हैं, लेकिन एग्जाम में सर एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि केस सिनेरियो ना सर थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे और उनकी लेंथ भी बड़ी होगी। अब होता क्या है कि अगर हम केस सिनेरियो को पहले पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और कई बार सर क्या होता है एक ट्रांजेक्शन के ना मल्टीपल यूज होते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट होते हैं, तो हम लोग जैसे मान लो सर यहाँ पे मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ तो मेरे माइंड में सर उस कॉन्सेप्ट को लेके उस पॉइंट को लेकर ना अलग अलग ट्रीटमेंट सर चल रहे होंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग केस सिनेरियो में क्या रखेंगे, आपने यही प्रैक्टिस सर एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है। पहले हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपने एमसीक्यू का आंसर देना, हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ेंगे और एमसीक्यू पढ़ के उसके बाद सर क्या करेंगे केस सिनेरियो पढ़ेंगे। ठीक जी सर, जब हम एमसीक्यू पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो आप देखना आपका केस सिनेरियो जल्दी सोल्व होगा और सर सही होगा। केस सिनेरियो 1 में यहां पे वो बात कर रहा है सर एबीसी लिमिटेड की। ठीक जी सर, आइए, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। सर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सर जो बैड डेट है वो आपने थर्ड क्वार्टर में इनकर्ड की है। ठीक जी सर, तो उसका ट्रीटमेंट पूछ रहा है। देखिए क्या होता है सर, एज पर इंड एस 34 हम इंटरिम पीरियड को सर एक इंडिपेंडेंट पीरियड मान के चलते हैं। जैसे सर हम ईयर के खर्चे ईयर में रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से सर हम लोग क्या करते हैं इंटरिम पीरियड के खर्चे सर उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी सोन इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द थर्ड क्वार्टर। सर थर्ड क्वार्टर का अपने करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है। हाउ मैनी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर ये आपका 34 का क्वेश्चन है, हम साथ साथ सर इंड एस मेंशन कर लेते हैं। इंडेस 34 का क्वेश्चन, हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी हैव। सर ये आपका इंडेस 115 का क्वेश्चन है, हमें देखना पड़ेगा कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या डिस्टिंग्विश्ड गुड्स और सर्विस है। ठीक जी सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। सर यहां पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी सर आपका 16 में आ सकती है, आपका इंडेस 40 में आ सकती है। ठीक जी सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट की अगर बात करें तो सर यहां पे आपका आएगा इंडेस 40 की बात हो रही है। सर डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं इनिशियल डेट पर सर कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक जी सर, कॉस्ट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी सर आपका इंडेस 16 आ गया। आइए अब हम क्या करेंगे सर, अब हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे। देखिए
एबीसी लिमिटेड मेंटेन इट्स अकाउंट एंड प्रिपेयर इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियस, ठीक है। इट इज ए डाइवर्सिफाइड ग्लोबल बिजनेस ग्रुप विद ऑपरेशन स्पेनिंग मल्टीपल सेक्टर, ठीक है। द फाइनेंस टीम वाइल वर्किंग ऑन फाइनलाइजिंग द बुक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March X3 एनकाउंटर्ड चैलेंज विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सर कुछ ट्रांजेक्शन के साथ उन्हें चैलेंज मिला है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल पार्ट, ठीक है। एबीसी लिमिटेड सर जो है वो ऑटोमोबाइल पार्ट बनाती है। इट हैज शोन ए नेट प्रॉफिट ऑफ 20 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ X2 X3। सर एक तो हमसे करेक्ट नेट प्रॉफिट पूछा था, हम लोग क्या करेंगे सर जो रिपोर्टेड प्रॉफिट पहले एक बार उसको लिख लेंगे और जो एडजस्टमेंट होगी सर साथ साथ एडजस्टमेंट इसमें करते चलेंगे, ठीक जी सर। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड वाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट, सर जब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो ये कुछ एडजस्टमेंट की थी। बैड डेट ऑफ 1 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, सर इस क्वार्टर में हमने 1 लाख का बैड डेट इनकर्ड किया तो हम लोग क्या करेंगे सर 1 लाख का खर्चा इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे। 50% ऑफ द बैड डेट हैव बीन रेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर, सर हमने क्या किया 50% खर्चे को सर नेक्स्ट क्वार्टर में रेफर कर दिया। सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिस इंटरिम पीरियड का सर खर्चा हमें उसी इंटरिम पीरियड में उसे रिकॉर्ड करना होता, ठीक। तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पे 50,000 माइनस कर देंगे। आप सर वीडियो को पॉज करके भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ₹5 lakh एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस पर्टेनिंग टू द थर्ड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट द फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल। देखिए वो कह रहा है थर्ड क्वार्टर में हमने क्या किया 5 लाख का खर्चा इनकर्ड किया, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस के नाम से, लेकिन हमने उसे डेफर्ड कर दिया क्योंकि हम सर नेक्स्ट क्वार्टर में मोर सेल करेंगे। देखिए अगर मान लो एक कंपनी है वो ईयर वन में सर एक खर्चा करती है, ठीक जी सर, और उसको लगता है कि सर उसकी सेल जो है वो ईयर टू में ज्यादा होगी तो हम खर्चे को डेफर थोड़ा करते हैं। हम तो क्या करते हैं सर एक्यूरेट बेस पर सर उस खर्चे को उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑन द सेम ट्रेनिंग सर अगर किसी क्वार्टर में हमने खर्चा किया तो हम क्या करें सर उस एक्सपेंडिचर को उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। देयरफॉर फोर्थ क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय द हायर एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर। सर 5 लाख हम लोग क्या करेंगे सर इसी क्वार्टर में से माइनस कर देंगे, डेफरमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक जी सर। तो 14,50,000 का सर करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया। आगे देख लेते हैं इसके रिगार्ड में कुछ बात कह रखी क्या। एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए पावर प्लांट, सर ये अपने आप में एक अलग केस आ गया तो हम पहले क्या करेंगे सर इससे रिलेटेड आंसर दे देंगे, ठीक। दो एमसीक्यू थे सर, पहला एमसीक्यू क्या था व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर, द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट इज नॉट करेक्ट एज द एक्सपेंसिस इनकर्ड ड्यूरिंग एनी इंटरिम पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड अकॉर्डिंगली 50,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 20 लाख। एक्चुअली हुआ क्या है सर ये इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन उठाया होगा उसी में से एमसीक्यू बनाए होंगे क्वेश्चन और सोल्यूशन में से, तो ये लाइन वहीं से आ गई है सर, तो आप इसको काट देंगे। इस लाइन की सर रेलिवेंसी यहाँ पे नहीं है क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लाइनें नहीं आएंगी, ठीक जी सर। ये आई थिंक इंस्टीट्यूट की साइड से कुछ प्रिंटिंग एरर है। बैड डेट एक्सपेंसिस इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम क्वार्टर, बिल्कुल ठीक, अकॉर्डिंगली 50,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द 20 लाख। सर ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। चले जी सर करेक्ट नेट प्रॉफिट सर कितने से आता अपना 14,50,000 से। सर ये अपना ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए आगे कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए पावर प्लांट फॉर ए कस्टमर, सर एबीसी लिमिटेड ने एंटर्ड किया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सर वो क्या करेगी एक कस्टमर के लिए पावर प्लांट बनाएगी, ठीक। द एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, सर जो एंटिटी है वो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग सर्विस टू बी प्रोवाइडेड लाइक इंजीनियरिंग सर्विस दी जाएगी, साइट क्लियरेंस दिया जाएगा सर, आपका फाउंडेशन दी जाएगी, प्रोक्योरमेंट दिया जाएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ठीक जी सर, पाइपिंग एंड वायरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। अब यहाँ पे देखिए सर जितने भी यहाँ पे सेपरेट गुड्स और सर्विस हैं क्या कस्टमर उनका इंडिविजुअल बेस पे या किसी दूसरे सर के साथ बेनिफिट उठा सकता है। अगर मान लो एक मिनट के लिए कस्टमर बेनिफिट उठा भी लेगा तो दूसरी कंडीशन क्या होती है डिस्टिंग गुड्स और सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए सर वो आपस में इंटररिलेटेड ना हो। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर सिग्निफिकेंटली इंटररिलेटेड है तो सर ये आपका एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी, ठीक जी सर। तो इसका आंसर आएगा सर आपका ऑप्शन सी। चले जी सर बिल्कुल चलते आगे बढ़ते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर X1 X2 एबीसी लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल हाउसेज Each with separate legal title, including the land on which it is built. Sir, separate legal title है. It means क्या कि सर अगर separate legal title है तो हम लोग सर separately identify कर सकते हैं सर को, ठीक जी सर। The expenditure incurred on various dates is given below. On 1st April, sir, purchase cost of the property sir आपका 1,80,00,000 है, ठीक है। On 1st April, X2, non-refundable transfer tax sir 20 lakh है, not including the purchase cost. सर ये आपका non-refundable tax है, तो सर ये भी आपका cost का part बन जाएंगे, ठीक जी सर। तो 1,80,00,000 कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस 20 लाख सर 2 करोड़। ऑन 2nd April लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एक्विजिशन सर 5 लाख सर इसे भी हम क्या करेंगे सर कैपिटलाइज कर देंगे।
2 करोड़ 5 लाख। ऑन 6 अप्रैल एडवर्टीजमेंट कंपेन टू अट्रैक्ट टेनेंट, सर ये आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा है सर, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, से हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ऑन 8 अप्रैल X2 ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस 150, सर ये आपका एक तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटी सर, इसे में हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मान के चलेंगे, ठीक जी सर। थ्रू आउट X2 X3 इनकर्ड 1 लाख टूअर्ड डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सर ये भी आपके रूटीन के खर्चे सर, इसे में पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। ABC Limited used one of the 6 houses of the office and accommodation of its new staff, few staffs. कुछ स्टाफ के लिए सर हम क्या करेंगे, ऑफिस एंड accommodation के लिए सर एक यूनिट को यूज करेंगे और अदर 5 houses सर रेंट पे दे देंगे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को। तो सर 5/6 क्या बनेगा सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखिए 2 करोड़ 5 लाख सर क्या आ गया सर, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आ गई, ठीक जी सर। 1/6 सर आपका ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आ जाएगी, दैट इज सर 34,16,667 और सर 5/6 सर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी 1,70,83,333। वट इज द कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी सर, 2 करोड़ 5 लाख। वट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर, 1,70,83,333। वट इज द कॉस्ट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सर, आपका 34,16,667, ठीक जी सर। चलिए केस सिनेरियो 2 पढ़ेंगे, पहले हम इसके MCQ पर चलते हैं। एनालाइज द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड अबव एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द बिलो क्वेश्चन 7-10 इन लाइन विद द रेलिवेंट इंडेक्स। बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन सिनेरियो व्हाट विल बी द बेसिक अर्निंग पर शेयर, सर हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है, इंडेक्स 33 की बात हो रही है। व्हाट विल बी द डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सर डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करनी है सर, 33 की बात हो रही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर कोको बीन्स, सर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताना आपने, ठीक जी सर। सर मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब हमें देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स का नाम मेंशन नहीं कर रहा, ठीक जी सर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन पॉइंट 3, सर इसके ऊपर मेरे को स्पेशल डिस्कस करना है, इस पॉइंट के ऊपर ना, इस क्वेश्चन के ऊपर सर। आइए अब हम क्या करेंगे सर, सर एक बार हम लोग केस सिनेरियो पढ़ेंगे, एक सेकेंड। देखिए क्या लिखता है, DEF लिमिटेड इज ए डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप ऑपरेटिंग इन मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद मल्टीपल सब्सिडरी, ठीक है। इट मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड पब्लिश इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंडियस, ठीक है। द फाइनेंस टीम हैज बीन वर्किंग ऑन क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X1 एंड आर फेसिंग इशू इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वाइल फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक जी सर। सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को सर आपका 12 लाख है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके सर 5 लाख है, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर सर कितने से आ गई सर 2.40। बट मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेटर यूज करना चाहिए ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो एग्जाम के अंदर ना, सर 2.4 आ गया, ठीक जी सर। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द वन ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द ईयर सर आपका 20 है, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन सर आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर में सर, मतलब हम ऐसे बोलेंगे सर ये ऑप्शन जो है SBB के अंदर 1 लाख है, अब हमें क्या करना पड़ेगा सर इसमें से पोटेंशियल इक्विटी शेयर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक जी सर। सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो इंस्ट्रूमेंट है जो 3 कंडीशन पूरी करते हैं, पहली कंडीशन सर क्या है सर, वो फ्यूचर में कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर सर ये है, सेकंड सर रिसोर्स आ चुके हैं और थर्ड सर रिसोर्स बिजनेस में यूज हो चुके हैं, ठीक जी सर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम एम्प्लॉई को सर शेयर तब देंगे जब वो एक्साइज प्राइस पे करते हैं, मतलब 15 रुपीज पे करते हैं, इट मीन्स क्या सर, इट मीन्स ये कि जो रिसोर्स अपने पास आए हैं वो 15 के बराबर अभी तक नहीं आए हैं आउट ऑफ 20, ठीक जी सर। तो हम क्या बोलेंगे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर जाएंगे जिसमें सर अपने पास जो रिसोर्स आए हैं अभी सर वो कितने के बराबर आए सर, 15/20 के बराबर रिसोर्स अभी नहीं आए, इट मीन्स क्या सर अपने पास 25,000 इक्विटी शेयर के इक्विवेलेंट सर अपने पास क्या है रिसोर्स आए, तो ये अपने लिए क्या बन जाएंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ठीक जी सर। सर अर्निंग पे इफेक्ट 0 आ जाएगा और सर नंबर ऑफ शेयर पे इफेक्ट सर आपका 25,000 आ जाएगा, तो 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 25,000। सर 2.29 सर आपका डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ गया, बी और सर यहां पे आपका आ गया ए, ठीक जी सर। चलिए DEF लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बाई 100 tons ऑफ कोकोई बीन्स एट 1,000 per ton फॉर डिलीवरी इन 12 months, ठीक सर ये फ्यूचर की डेट का कॉन्ट्रैक्ट है।
ऑन द सेटलमेंट डेट द मार्केट प्राइस फॉर कोकोई बीन्स इज 1500 पर टन, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल नेट इन कैश। सर साफ साफ मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट सेटल नेट में नहीं हो सकता, मतलब नेट इन कैश में सेटल नहीं हो सकता। एंड इज एंटर्ड फॉर डिलीवरी फॉर कोकोई बीन्स इन लाइन विद डीएफ लिमिटेड एक्सपेक्टेड परचेज ऑब्लिक यूसेज रिक्वायरमेंट। देखिए अगर सर हम यहाँ पे बात करें तो जो कंपनी है सर वो क्या करेगी, सर अपने ओन यूज के लिए सर परचेज करेगी सर कोको बीन्स, ठीक जी सर, 100 टन्स। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट सेटलमेंट का ऑप्शन है ही नहीं, तो सर ये आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक जी सर। चलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्कोप से सर ये बाहर होता है, एग्जीक्यूटरी एंड नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला था सर, यहाँ पे आपका नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो सर ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। चले जी सर आइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन पॉइंट थर्ड, एक बार पॉइंट थर्ड में चलते हैं। देखिए डीएफ लिमिटेड इन्वेस्ट इन कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी, इशूड बाय इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड। सर हम हैं डीएफ लिमिटेड और सर यहां पे है एक कंपनी सब्सिडियरी बी लिमिटेड, ठीक जी सर, एट 1000 ईच, 10 की फेस वैल्यू, 990 प्रीमियम। Under the terms of the instrument, each CCPS is compulsorily convertible into one share of B Limited at the end of 5 years. Sir, number of share भी fix है और convertible है, ठीक है, और compulsory convertible है. Such CCPS carry dividend at 12% per annum, payable only when declared at the discretion of B Limited. मतलब B Limited अगर dividend देना चाहते हैं तो वो dividend दे सकता है. It means क्या सर? B Limited के ऊपर सर कोई भी आपका सर कोई भी contractual obligation to deliver cash नहीं है, तो सर ये B Limited के point of view सर क्या बन गया? आपका equity बन गया. और सर अगर डीएफ की बात करें तो सर उसके पॉइंट सर ये फाइनेंशियल एसेट बन गया। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना सर, इस क्वेश्चन को देखिए पूरे को, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये बात किसकी कर रहा है सर? ये बात कर रहा है आपका डीएफ लिमिटेड की। अगर ये बात सर डीएफ लिमिटेड की बात कर रहा है तो सर इस क्वेश्चन में अगर यहां पर मेंशन नहीं किया कि ये नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताना, तो सर इसका आंसर फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए क्योंकि डीएफ की बात कर रहा है। लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर दिया वो इक्विटी दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया सर, ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, तो इंस्टीट्यूट को सर या तो यहां पे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन पॉइंट थर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू बी लिमिटेड। आप इंस्टीट्यूट को मेल डाल सकते हैं कि इस एमसीक्यू में वो ये लाइन यहां पर एड कर दें, ठीक। चले जी सर चलिए, क्योंकि अगर ये या फिर अगर ये डीएफ के पॉइंट ऑफ से पूछेंगे तो फाइनेंशियल एसेट आंसर आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर इसका आंसर इक्विटी दे रखा, तो इट मींस क्या कि उन्होंने इंटेंशनली सर क्या किया होगा, ये बी के पॉइंट ऑफ से पूछा होगा बट यहाँ पे लिखने से रह गया होगा, ठीक। तो आप मेल डाल दें कि यहाँ पे वो बी के पॉइंट ऑफ से इसको लिख दें। चलिए केस सिनेरियो 3 में चलते हैं इसके एमसीक्यू पे, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल कंसीडरेशन ट्रांसफर बाय पी क्यू आर टू एक्स वाई जेड। इट मींस क्या सर? इट मींस ये है PQR ने XYZ को यहाँ पे एक्वायर किया हुआ, ठीक जी सर। तो प्राइमा बेसिस अगर हम बिजनेस एक्वायर यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका क्योंकि उसने XYZ को बोला, तो सर ये आपका एसोसिएट भी हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है सर, आपका सर बिजनेस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो मैं अभी इंडेक्स मेंशन नहीं कर रहा, प्राइमा बेसिस बिजनेस कॉम्बिनेशन में जनरली इस तरह की लैंग्वेज लिखी थी, उसको एक्वायर कर लिया, ठीक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द सेड बिजनेस कॉम्बिनेशन? सर इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन था 103। What is the gain on previously held interest in XYZ recognized in profit or loss? Sir, previously held in interest in XYZ, it means कैसे? It means ये है कि हमने इसको सर पहले सर शेयर ले रखे थे, तो step by step acquisition, step by step acquisition. What is the transition date for PQR Limited for adopting Ind AS? Sir, transition date होती है immediately previous year के first day, ठीक जी सर। PQR present its comparative financial statement for the year. Sir, previous year आ जाएगा। चलिए। PQR Limited is required to adopt Ind AS from 1st April X1. Sir, मैं यहीं से ना दो क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। है? हाँ जी। 1st April X1 को अगर PQR सर Ind AS adopt करेगा तो immediately previous year सर कौन सा होगा उसका? सर X0 X1, X0 X1 को से क्या करना पड़ेगा सर? कंपेरेटिव देना पड़ेगा X0 X1 का। और सर ट्रांजिशन डेट क्या होगी? सर 1st अप्रैल X0। लो जी दो क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे बन गया। चले हाँ जी, विद कंपेरेटिव फॉर वन ईयर X0 X1 क्वेश्चन ही लिख दिया, आंसर खुद ही दे दिया यहाँ पे। ऑन 1st अप्रैल X1 PQR acquired 30% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ XYZ फॉर 8000 करोड़। सर 1st अप्रैल X1 को PQR ने क्या किया सर? 30% सर वोटिंग राइट लिए हैं
किसके? सर एक्स वाई जेड के। कितने में? सर 8000 करोड़ में। सर यहां पे ये एसोसिएट बन गई। PQR लिमिटेड अकाउंट इट्स इन्वेस्टमेंट इन एक्स वाई जेड यूजिंग इक्विटी मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडिया 28। ठीक है। एट 31 मार्च 2022 PQR लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड इट्स शेयर ऑफ नेट असेट चेंज ऑफ द एक्स वाई जेड यूजिंग इक्विटी अकाउंटिंग एज फॉलोज। सर शेयर इन प्रॉफिट और लॉस 700 आ गया, तो सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इन OCI सर 100 आ गया, सर आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। शेयर ऑफ रिवॉल्यूशन रिजर्व ऑफ PP इन OCI सर आपका 50। सर इससे क्या होगा? सर आपका सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सर आपका 8850 आ गई। ठीक जी सर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऑन 31 मार्च 2022 वाज देयरफॉर 8850 करोड़। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2022 नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे PQR एक्वायर द रिमेनिंग 70% ऑफ द XYZ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन 25,000। देखिए सर 30% शेयर सर अपने पास पहले से थे और 70% शेयर और हमने एक्वायर कर लिया, तो सर 25,000 तो ये पे कर दिया। जो अर्लियर इन्वेस्टमेंट है सर उसकी फेयर वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक जी सर। NCI सर ऐड कर देंगे। NCI सर यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 100% शेयर है, और सर माइनस क्या कर देंगे? आइडेंटिफाइबल नेट असेट की फेयर वैल्यू। ठीक जी सर। सर गुडविल अगेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, जब हम यहाँ पे एसोसिएट को फर्दर एक्वायर करके सर बिजनेस कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो सर हमें एज ए एसोसिएट उसे डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर अगर मान लो हमने एसोसिएट के अगेंस्ट सर कोई भी रिजर्व वगैरह रिकॉर्ड कर रखे थे तो हम पता उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर जैसे मान लो अगर हम किसी असेट को डिस्पोज करते हैं और उसके रिगार्ड में सर जो रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है सर, हम सेम ट्यूनिंग पर सर यहाँ पे उन रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे मान लो मैंने एक सर OCI का बैलेंस क्रिएट कर रखा। ठीक जी सर। अब सर जो असेट के अगेंस्ट मैंने जिस असेट के अगेंस्ट सर मैंने OCI का बैलेंस क्रिएट कर रखा, अगर मैं उस असेट को बेचता हूँ तो सर उस OCI का बैलेंस सर रिटेन अर्निंग में जाएगा या पी एंड एल अकाउंट में रूट होगा? सर जैसा सर उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स के प्रोविजन में लिखा होगा तो हम अकॉर्डिंगली सर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक जी सर। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर अगर मान लो मैं एसोसिएट के प्रॉफिट को सर अपने साथ मर्ज करता हूँ टू दी शेयर सर जितने मैंने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ले रखी है, तो सर जब मैं एसोसिएट को सर खत्म कर दूंगा एक तरीके से, सर यहाँ पे क्या होगा? एसोसिएट डीरिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ठीक जी सर। तो मैं उन रिजर्व का ट्रीटमेंट सर सेम ट्यूनिंग से करूंगा। ठीक। तो सर जैसे शेयर ऑफ पीएनएल है तो ये तो पीएनएल में चला गया ऑलरेडी। शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इन OCI सर मैं इसे क्या करूँ? सर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। शेयर ऑफ रिवॉल्यूशन रिजर्व ऑफ पीपी इन OCI सर मैं इसे क्या करूँ? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करूंगा। ठीक चले जी सर। चलिए द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट एट दैट डेट। फेयर वैल्यू ऑफ द 30% इंटरेस्ट ऑलरेडी ओन 9000 से फेयर वैल्यू 34,000 आ गया। फेयर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आइडेंटिफाइबल नेट असेट 30,000 से 4,000 से गुड मिला। ठीक जी सर। आइए एक एक करके बात करते हैं। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर बाय PQR टू एक्स वाई जेड? सर आपका टोटल कंसिडरेशन सर आपका 34,000 आ गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? सर आपका 4,000 आ गया। What is the gain on previously held interest in XYZ recognized in profit or loss? Sir, यहाँ पे total लिखना चाहिए, total कहीं ना कहीं total gain. Sir, देखिए investment की जो value थी अपना 8850 थी, 9000 होगी तो 150 का तो सर ये डिफरेंस चला गया, और सर जो अपना 100 का बैलेंस सर आपका एक्सचेंज डिफरेंस में था OCI में वो भी सर P&L अकाउंट में रूट हो जाएगा, 250 आ गया। चले जी सर। चलिए ऑप्शन सी। अब चलते सर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सर जो क्वेश्चन वन है ये आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सर आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि एग्जाम के अंदर सर इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक जी सर। आइए मिलकर पढ़ते हैं। DF लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ XYZ ऑन 1 अक्टूबर 2021। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर डायग्राम बनाएंगे एक ना प्यारा सा। सर डायग्राम यहां बना लेते हैं। डायग्राम में सर सबसे पहले हम ये देखेंगे ईयर एंड कौन सा है। सर 31 मार्च 2022 ऑन 31 मार्च 2022 द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनी वर एज गिवन बिलो। ठीक जी सर। अच्छा फिर डायग्राम में हम ये देखेंगे सर कि यहाँ पे अपना ईयर स्टार्ट हो गया। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? सर डेट ऑफ एक्विजिशन है सर 1 अक्टूबर, और सर यहाँ जो बातचीत करेंगे सर ये बातचीत करेंगे सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन सी? सर XYZ। तो अभी तो मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर, क्वेश्चन एक बार हम कंप्लीट रीड करके फिर मैं आपके साथ प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जाम में सर हमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सर कैसे हैंडल करना चाहिए, सो दैट कोई चांस ही ना हो गलती का। ठीक जी सर। और सर कम से कम टाइम भी लगे क्वेश्चन करने में ना, और क्वेश्चन के ऊपर आपका अच्छे से होल्ड आए, ये सारी बातें सर
मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए जी सर, देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो डायग्राम जरूर बनाए। डायग्राम में सर पता क्या करेंगे आप, डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट या उससे पहले के प्रॉफिट या उसके बाद के प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी, वो जरूर लिखें आप। ठीक, पीपी दे दिया सर, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन एक्स वाई जेड, इन्वेंटरी, फाइनेंशियल असेट में सर आपका ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी कैपिटल है, अदर इक्विटी है, अदर रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है सर। ठीक जी सर, अब सर यहाँ पे देखिए अदर रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग दे रखा कितने से सर, अदर रिजर्व है 10 लाख से और रिटेन्ड अर्निंग है 820 से। एक प्यारी सी बात और आपको बताता हूँ, अगर सर एग्जाम में क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि जो अपने अदर रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग है कौन से टाइम पीरियड के हैं, एक मिनट के लिए मान लो सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा, सिर्फ ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा और कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो वी ऑलवेज अज्यूम कि ये अपने ओपनिंग रहे होंगे, ओपनिंग बैलेंस मतलब ये ओपनिंग बैलेंस होंगे, करंट ईयर का बैलेंस नहीं होगा, और सर ये अपना ड्यूरिंग द ईयर का पूरा बैलेंस होगा। ठीक जी सर, पूरा प्रॉफिट सर ड्यूरिंग द ईयर का होगा। द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एक्स वाई जेड शोड ए करेक्ट बैलेंस ऑफ 3 लाख ऑन 1 अप्रैल X1। 1 अप्रैल X1 को सर जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस था वो आपका 3 लाख था। आउट ऑफ विच ए डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1 नवंबर, DF 1 नवंबर को सर क्या हुआ सर, आपका डिविडेंड दिया गया एक्स वाई जेड कंपनी के द्वारा 1 नवंबर X1 कितना सर 10%। सर कैपिटल कितनी है एक्स वाई जेड की सर 20 लाख है, तो सर यहां पे डिविडेंड पेड जो है टू लाख। ठीक जी सर, और ये सर इसमें से दिया गया है क्योंकि सर ये प्रीवियस ईयर का होगा तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से दिया गया। ठीक, डीएफ लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज द डिविडेंड रिसीव टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर X1 वाज 20 लाख। सर यहां पे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू जो है सर वो आपका 20 लाख। ठीक जी सर, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सर 10% है। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% पर है। हम एक काम और करेंगे सर, जिस पॉइंट की एडजस्टमेंट दे रखे सर उस पर हल्का सा टिक कर लेंगे सर। एक तो इसने प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट दे रखी। ठीक जी सर, सर प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ठीक उसके लिए टिक करने की नीड नहीं है। फॉलोइंग आर द इंक्रीज, सर उसने इंक्रीज दे दिया डायरेक्ट, ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर X1 विच आर टू बी कंसिडर्ड वाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। सर लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री, सर ये फेयर वैल्यू में इंक्रीज है, तो यहाँ पे सर आपका फेयर वैल्यू में इंक्रीज है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग में है, ठीक है, एक आपका इन्वेंट्री में है और सर एक आपका ट्रेड पेबल में। हल्का सा टिक कर लेते हैं, ट्रेड पेबल की बात हो रखी सर यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रखी और सर आपका इन्वेंट्री की बात हो रखी। ठीक जी सर, अगर सर मान लो इनमें से जैसे मान लो इन्वेंट्री सर सब्सिक्वेंटली बिक जाती है, ट्रेड रिसीवेबल सब्सिक्वेंटली सेटल हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करें सर, फेयर वैल्यू का पोस्ट एक्विजिशन में भी इंपैक्ट लेंगे। ठीक जी सर, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में भी इंपैक्ट लेंगे। नोट्स देखिए क्या लिखता है, सबसे पहले इट मे बी अज्यूम दैट इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट, कहता भी ये मान के चलेंगे जो इन्वेंट्री है वो अभी भी अनसोल्ड है आपका बैलेंस शीट डेट, एंड ट्रेड पेबल आर ऑल्सो नॉट येट सेटल्ड। इट मीन्स क्या सर, पोस्ट एक्विजिशन आप इनका इंपैक्ट फेयर वैल्यू पर नहीं लेंगे। ठीक जी सर, ऑल्सो अज्यूम दैट द अदर रिजर्व ऑफ बोथ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च आर द सेम एज वाज ऑफ 1 अप्रैल। सर ये जो अदर रिजर्व के बैलेंस है ना, ये आपने क्या मान के चलने सर, ये आपने ओपनिंग बैलेंस मान के चलने हैं। ठीक जी सर, चलिए जी, तो ओपनिंग रिजर्व सर आपका अदर रिजर्व कितने से है सर, 10 लाख से, रिटेन्ड अर्निंग हमने पहले लिख लिया था। ठीक चले, हाँ जी सर, आइए ऑल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैव नॉट येट स्टार्टेड इंपैक्टिंग कंसोलिडेटेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर अब हमें क्या करना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी। देखिए सर, अगर मैं बात करूं सर कंसोलिडेशन के चैप्टर की, तो ज्यादातर सर जो एडजस्टमेंट है वो इंपैक्ट डालती है सर आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ आपका सब्सिडियरी कंपनी। ठीक जी सर, अब सर जो सब्सिडियरी कंपनी की नेट असेट की स्टेटमेंट है जिसमें सर आपका ओन रेट ऑफ एक्विजिशन सर इंपैक्ट आता है, उसके बाद इंपैक्ट आता है। ठीक जी सर, उसमें इंपैक्ट डालते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ एस लिमिटेड बनाते हैं, और सर अगर मान लो बाई चांस किसी पॉइंट में फंस जाते हैं ना, तो कंसोलिडेशन के चैप्टर में सर उन्हें दिक्कत हो जाती है एग्जाम में ना। मैं आपको बताऊँ आपने क्या करना सर, मैं यहाँ पे एक अप्रोच फॉलो करूंगा,
एक प्रोसीजर फॉलो करूंगा, आपने सर उसी प्रोसीजर के तहत सर एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन करके आना। ठीक जी सर, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा सर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ना फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक जी सर, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया। ठीक जी सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की अगर इन्फॉर्मेशन है तो सर उसका भी आप फॉर्मेट बनाएंगे। बना दिया जी सर, आइए अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे सर, असेट साइड से लग जाएंगे। सर देखिए, मैं सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना लिया। ठीक जी सर, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा सर, असेट्स, नॉन करंट असेट। ठीक जी सर, नॉन करंट असेट में सर सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक जी सर, उसमें सर आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। मैं सर पहले डीएफ की बात करूंगा, फिर एक्स वाई जेड की, मतलब पहले पेरेंट की फिर सब्सिडरी की, सर इन दोनों को जोड़ दूंगा। और सर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है, वो जो एडजस्टमेंट सर उसका इंपैक्ट स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट में भी आएगा, तो मैं उसके लिए सर अभी जगह छोड़ दूंगा। ठीक जी सर, क्योंकि यहाँ पर सर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी, कई बार हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो मैं अभी जगह छोड़ दूंगा। ठीक जी सर, तो मैंने अभी इन दोनों को जोड़ा है। नेक्स्ट सर प्लांट एंड मशीनरी, सर इन दोनों को जोड़ दूंगा और जगह छोड़ दूंगा क्योंकि इसके एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट सर हट जाएगी। ठीक जी सर, इन्वेंटरी सर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। आपका नॉन करंट असेट में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सर, सबसे पहले आप लिखेंगे सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक जी सर, सर उसमें मैंने लैंड बिल्डिंग लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। ठीक जी सर, उसके बाद सर मैं ना गुडविल के लिए जगह छोड़ूंगा, लिखूंगा नहीं गुडविल, मे भी गुडविल आए या ना आए, मैं जगह छोड़ दूंगा। ठीक जी सर, उसके बाद सर मैं करंट असेट में चलूंगा। सबसे पहले सर मैं बात करूंगा इन्वेंटरी की, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया सर, इन्वेंटरी में एडजस्टमेंट है, मैं जगह छोड़ दूंगा, एक दो लाइन है। ठीक जी सर, उसके बाद सर फाइनेंशियल असेट में सर ट्रेड रिसीवेबल में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट इनको जोड़ के दिखा दूंगा। ठीक, 598 प्लस 4 लाख 9,98,000। उसके बाद सर कैश आ गया, सर मैं कैश को जोड़ के दिखा दूंगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, 225। सर उसके बाद क्या होगा, सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, लाइबिलिटी साइड में चलेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले सर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी, फिर उसके अंदर लिखेंगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल, सर ये 50 लाख आ जाएगा। ठीक जी सर, उसके बाद सर मैं क्या लिखूंगा, अदर इक्विटी। ठीक जी सर, अदर इक्विटी में सर क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अदर रिजर्व सर ये सारे सारे सर आपके डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले गए हैं, तो सर ये 24 लाख अमाउंट एज इट इज आ जाएगा। तो मैं काम करता सर यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो 50 लाख आ गया सर, यहाँ पे 24 लाख आ गया। ठीक जी सर, उसके बाद सर रिटेन अर्निंग है। अब सर जैसे मैं रिटेन अर्निंग में पहुंचूंगा, मैं वर्किंग नोट सर बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक जी सर, सबसे पहला वर्किंग नोट कौन सा बनेगा सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से, सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी है सर 34 लाख से। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट सर 34 लाख से आगे। सर इसमें मैं एनसीआई ऐड कर दूंगा, सर यहाँ पे 100% होल्डिंग अपने पास है, तो एनसीआई 0 आ गया, 34 लाख। ठीक जी सर, सर माइनस आ जाएगा आपका फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट असेट ऑफ आपका कंपनी का नाम क्या है, सब्सिडरी का, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन बनेगा सर। सर यहां पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एज ऑन 1st अक्टूबर X1। ठीक जी सर, उसके बाद सर वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा अपना एनसीआई का। सर यहाँ पे एनसीआई का बैलेंस अपना निल है। सर वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा सर अपना कॉन्सोलिडेटेड अदर रिजर्व का। सर कॉन्सोलिडेटेड अदर रिजर्व यहाँ पे नहीं बनेंगे क्योंकि सर जो अदर रिजर्व थे सब्सिडरी कंपनी के सर सारे सारे वो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के थे, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चले गए। ठीक जी सर, तो यहाँ पे सर आपका आएगा कॉन्सोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग का वर्किंग नोट नंबर 3, और इसमें सर जो भी आपकी रिटेन्ड अर्निंग है कौन सी कंपनी की, सर आपका पेरेंट कंपनी की, वो सर आपका है 572 DF लिमिटेड। ठीक जी सर, चलिए फोर्थ पॉइंट। इसके बाद सर मैं क्या करूंगा सर, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ एस लिमिटेड बनाऊंगा। सर सब्सिडरी कंपनी यहां पे है आपका एक्स वाई जेड लिमिटेड, पर्टिकुलर्स कैपिटल प्रॉफिट, बल्कि कैपिटल प्रॉफिट की जगह मैं वर्ड लिखूंगा नेट असेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक जी सर, चेंज इन नेट असेट, एक सेकंड में थोड़ा सा यहां पे स्पेस बना लो। क्लोजिंग बैलेंस ऑन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक जी सर, सर सब्सिडरी कंपनी के मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा कितने से,
सर 20 लाख से, कोई चेंज? नो सर। उसके बाद सर मैं अदर रिजर्व लिखूंगा। सर अदर रिजर्व कितने से? सर अदर रिजर्व आपका है 10 लाख से। उसके बाद सर मैं रिटेन्ड अर्निंग लिखूंगा। ओपनिंग बैलेंस सर 3 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस सर आपका 820 है। इसके बाद सर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा क्योंकि सर इसमें अब एडजस्टमेंट होनी है। ठीक जी सर, अब बात समझिए, जब हम इस अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे ना, आप देखना सर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बहुत ज्यादा आसान लगेगी आपको ना, क्योंकि सिर्फ हमारा फोकस सर उसके ऊपर रह जाएगा, बाकी हम सारे काम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक जी सर, आइए सर बैंक ओडी, अब हम उसके बाद क्या करें सर, नॉन करंट लाइबिलिटी है नहीं, करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, लेकिन सर उससे पहले ना हम लाइबिलिटीज वाले सर एक लाइन छोड़ देंगे माई नोट आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से। ठीक जी सर, तो सर एनसीआई यहाँ पे नील आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में एनसीआई सर आपका नील आ जाएगा। ठीक जी सर, बैंक ओडी सर आपका जोड़ देंगे इसको 8 लाख से। सर ट्रेड पेबल में अभी हमें एडजस्टमेंट करनी, वेट करेंगे ठीक, क्योंकि यहाँ पे टिक हुआ हुआ। चलें जी सर, अब ये देखिए सर आपका ना एक क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब पूरा फोकस सर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट पे लेके चलते हैं। ठीक जी सर, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में सर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। देखिए सर, हमें प्रॉफिट चाहिए सर, कब का? सर 1 अक्टूबर का। लेकिन हमें प्रॉफिट कब का दे रखा सर? हमें सर ओपनिंग प्रॉफिट दे रखा है और क्लोजिंग प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब क्या सर, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने प्रॉफिट कमाए हैं? सर ड्यूरिंग द ईयर हमने जो प्रॉफिट कमाए हैं सर वो 520 के प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक जी सर, अब जो ये 520 के प्रॉफिट है सर, क्या ये प्रॉफिट डिविडेंड के घटने से पहले, डिविडेंड के घटने के बाद है? देखिए सर, ये जो 2 लाख का डिविडेंड है ये किस ईयर से बिलोंग करता है? सर ये लास्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो ये सर कायदे से कहां से घटना चाहिए? सर इस 3 लाख में से घटना चाहिए। लेकिन सर ड्यू टू बैलेंसिंग फिगर सर क्या हुआ है, सर ये जो प्रॉफिट है ये आपका आफ्टर डिविडेंड है, आफ्टर डिविडेंड, और ये सर क्या आपका सर बिफोर डिविडेंड। तो ड्यू टू बैलेंसिंग फिगर सर डिविडेंड यहां से क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है, थोड़ी सी स्पेस कम है यहां पे। ठीक जी सर, तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, इसके अंदर डिविडेंड ऐड करके फिर टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे। देखिए सर, ये जो 520 ये आफ्टर डिविडेंड है ठीक, तो हम यहां पे क्या करेंगे सर, जो डिविडेंड सर ओपनिंग में से घटना चाहिए तो वो यहां से घटा हुआ डिविडेंड पेड सर हम यहां पे ऐड कर देंगे सर 20 लाख का 10% सर 2 लाख। टोटल सर आपका 3 लाख 720 और सर उसके बाद ये आपका आएगा 40 लाख 20,000। ठीक जी सर, सर अब हम यहां पे क्या करेंगे, टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे। ठीक जी सर, सर ये डिविडेंड मैंने इसलिए यहां पे ऐड किया है क्योंकि ये जो प्रॉफिट है सर ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड है, जबकि डिविडेंड सर बिलोंग करता है आपका सर पिछले साल से। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले करंट ईयर का इक्विवेलेंट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक, और फिर सर हम क्या करेंगे सर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सर यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इसके ऊपर सर टाइम एडजस्टमेंट लगा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट 720 का करंट ईयर का प्रॉफिट है सर, इसमें से आपका 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट सर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे सर 6 मंथ का प्रॉफिट सर यहां से निकाल के और उसे सर डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट में भेज देंगे। ठीक चले, हाँ जी सर चलिए, एक तो थी सर डिविडेंड के एडजस्टमेंट। ठीक जी सर, सर जैसे ही हम यहां पे डिविडेंड को ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि डिविडेंड ऐड होते ही सर नेट एसेट बढ़ेगी। ठीक जी सर, लेकिन सर अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड तो सर पे हो चुका रियल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब सर इसे हम एलिमिनेट करते हैं इन द रेशो ऑफ सर आपका पेरेंट और एनसीआई होल्डिंग रेशो। ठीक जी सर, तो यहां पे सर क्योंकि एनसीआई है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सर यहां से आपका डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे। ठीक जी सर, हालांकि सर इस डिविडेंड पेड को हम लोग ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर भी दिखाते हैं। ठीक, तो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे तो वहां पे भी इसको माइनस करके दिखा देंगे। ठीक जी सर, मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आपको लास्ट में बनवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पे देखिए इसके बाद कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। सर एक एडजस्टमेंट थी डिविडेंड की, हमने उसका ट्रीटमेंट कर लिया है।
अब सर इसके अलावा सर जो एडजस्टमेंट है वो आपका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक जी सर। सर कितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है सर यहाँ पे? चार, एक प्लांट एंड मशीनरी, एक लैंड एंड बिल्डिंग, एक इन्वेंटरी और एक ट्रेड पेबल, ठीक जी सर। एक बात और सर, ये जो हम लोग यहाँ पे डिविडेंड माइनस करेंगे ना, इसका नाम रखेंगे सर आपका एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप डिविडेंड। अब आप यहां पे एक चीज देखिए, अगर मैं सर बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करके स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट पे फोकस करता हूं तो पूरा फोकस सर इस पे आएगा और मेरे को ये पता है कि इसके अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट करनी है, ठीक जी सर। प्लांट एंड मशीनरी से पहले बात करते हैं, देखिए प्लांट एंड मशीनरी सर यहां पे फेयर वैल्यू 20 लाख है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे कैरिंग अमाउंट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। सर प्लांट एंड मशीनरी का सर जो कैरिंग अमाउंट है वो आपका 1350 है सर आपका ईयर एंड पे, ठीक जी सर। और 10% सर आपका डेप्रिसिएशन का रेट है, 10% क्या सर? डेप्रिसिएशन का रेट, ठीक जी सर। तो यहां पे बैलेंस कितने से आ जाएगा सर? 1350 डिवाइड बाई सर 90%, सर ये आपका 15 लाख का सर यहाँ का कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक। हमें सर कैरिंग अमाउंट यहाँ का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे सर, 15 लाख यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर सर आपका 5 आ जाएगा, चेंज इन आपका फेयर वैल्यू या आपका रिवोल्यूशन गेन और लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो पहले सर कैरिंग अमाउंट निकालेंगे एज ऑन 1 अप्रैल X1, दैट इज सर आपका 15 लाख माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सर आपका 6 मंथ्स, सर 150 डेप्रिसिएशन पूरे साल का आ गया, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 सर 75,000, तो 14,25,000 सर आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। सर फेयर वैल्यू 20 लाख है, तो हमें कितने का फायदा हो गया सर? हमें फायदा हो गया मतलब सब्सिडरी कंपनी को 1425 सर 5,75,000 का फायदा हो गया। तो 5,75,000 सर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे सर, प्लस माइनस चेंज इन फेयर वैल्यू, प्लस माइनस चेंज इन फेयर वैल्यू, कलर चेंज कर लेता हूं सर। प्लांट एंड मशीनरी कितने से सर? प्लांट एंड मशीनरी आएगा सर आपका 5,75,000 से, ठीक जी सर। अच्छा, इसका पोस्ट एक्विजिशन का इंपैक्ट पड़ेगा सर? पोस्ट एक्विजिशन इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा होगा सर वो कैरिंग अमाउंट के साथ चार्ज कर रखा होगा सर, अब इसकी वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। सर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट पड़ेगा हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हम उसे कैलकुलेट करेंगे सर रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर हम क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन निकालेंगे फ्रॉम द रेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सर आपका 6 मंथ आ गया, ये डेप्रिसिएशन सर 1 लाख आ गया, डेप्रिसिएशन सर ऑलरेडी चार्ज सर आपका 75,000 है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन सर यहाँ पे 25,000 का आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 4-5 लाइनें छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे सर माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन सर पोस्ट एक्विजिशन में सर इसका इंपैक्ट आ जाएगा 25,000 से, ठीक जी सर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, प्लांट एंड मशीनरी में 575 सर वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे सर एक काम करते हैं 575 सर ऐड करते हैं क्योंकि फिर वैल्यू बढ़ेगी, और सर डेप्रिसिएशन सर एडिशनल आ जाएगा 25,000 से। तो ये फाइनल सर जो टोटल आएगा कंसोलिडेट बैलेंस शीट में कितने से आएगा सर? 1350 प्लस 575 माइनस 25,000 प्लस सर आपका 24 लाख सर 43 लाख से। एक सेकेंड यहां पर लिख लेता हूं, ठीक जी सर। चलिए अब आगे देखिए सर, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, डायरेक्ट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू देगा सर 10 लाख से आपका लैंड एंड बिल्डिंग सर 10 लाख से। पोस्ट एक्विजिशन सर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा अभी क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा। हाँ, कल को अगर हम इसको बेचेंगे सर तो उसके लिए सर जो हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर आपका कैरिंग अमाउंट कंसीडर करेंगे सर वो 10 लाख ऐड करके कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ठीक जी सर। चलिए तो 10 लाख सर यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट सर 28 लाख प्लस 15 लाख सर आपका 43 लाख से आ गया। चलिए जी सर आइए सर, इन्वेंट्री में इंक्रीज है आपका 150 से, सर इन्वेंट्री अभी बिकी नहीं है तो सर पोस्ट एक्विजिशन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो 150 की इन्वेंट्री सर बढ़ गई है प्लस 150
तो 3,60,000 4,000 प्लस सर आपका 150 प्लस सर आपका 12,00,000 सर 17,00,000 14,000 सर ट्रेड पेबल में इंक्रीज है मतलब अपना नुकसान हो गया, ट्रेड पेबल सर अपना कितने से बढ़ गया 1,00,000 से, तो माइनस आ जाएगा ट्रेड पेबल सर आपका 1,00,000 से, या यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक जी सर 1,00,000 से सर आपका ट्रेड पेबल बढ़ गया। सर 274 हो गया प्लस सर 471 सर 7,45,000 ठीक जी सर। चलिए अब इसका टोटल करते हैं, थर्टी 3,00,000 प्लस 360 प्लस 575 प्लस सर आपका 10,00,000 प्लस सर 150 माइनस सर 1,00,000 52,85,000 सर 360 माइनस 25,000 3,35,000। चलें जी सर, सर ये आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर आ जाएगा ठीक जी सर 52,85,000। सर यहाँ पे गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा जिसे हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे 18,85,000 ठीक जी सर। इसे सर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर लेके जाएंगे ठीक जी सर। और यहाँ पे सर ये 24,00,000 है ना, मैं एक काम करता हूँ सर इसको भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ही दिखाएंगे ठीक जी सर। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनेगा, ये मैं डायरेक्ट करा दूँ, हाँ सर डायरेक्ट करा दूँ ना, ओपनिंग बैलेंस 24,00,000 से है आपका अदर रिजर्व का ठीक जी सर। और सर ये आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज है कैपिटलिज्म में 18,85,000 ये देखिए ठीक जी सर। सर ये जो आपका प्रॉफिट है ये सर हम क्या करेंगे सर पेरेंट में और एनसीआई में इन द रेशियो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एलोकेट कर देंगे सर। आपका यहाँ पे एनसीआई है नहीं तो सर ये आपका पूरा पूरा डीएफ लिमिटेड को चला जाएगा 3,35,000 सर। ये टोटल आपका आएगा 572 माइनस 2,00,000 प्लस 3,35,000 सर 7,07,000 से ठीक जी सर। हम इसे डिस्क्लोज कैसे करेंगे सर, सर ये डी का प्रॉफिट आएगा, ये डिविडेंड बांट देंगे ठीक जी सर, मतलब डिविडेंड को एलिमिनेट कर देंगे और सर जो 335 है ये आपका शेयर ऑफ द पेरेंट आ जाएगा ठीक जी सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर ठीक जी सर। ये सर टोटल आ गया सर। अगर मान लो एग्जाम में हमारे पास टाइम ना हो रहा, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ना बनाना चाहें डायरेक्ट लिखना चाहें तो फिर डायरेक्ट आप क्या क्या लिखेंगे सर, आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे मैं एक बार 49,92,000 लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे सर आपका अदर रिजर्व 24,00,000 से, कैपिटल रिजर्व सर आपका 18,85,000 से और रिटेन्ड अर्निंग सर 7,07,000 से। तो ये टोटल आ गया सर आपका 24,00,000 प्लस सर 18,85,000 प्लस सर आपका 7,07,000 सर 49,92,000 आ गया। आइए टोटल कर लेते बैलेंस शीट का 43,00,000 प्लस सर 43,00,000 प्लस 17,14,000 प्लस सर 9,98,000 प्लस सर 2,25,000 सर 1,15,37,000 1,15,37,000 50,00,000 प्लस 49,92 प्लस सर आपका 8,00,000 प्लस सर 7,45 1,15,37,000 चले जी सर। कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार ना जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया इसके बारे में जरूर लिखे अपनी फीलिंग ना कि आपको कैसा लगा सर ये प्रोसीजर ना। आइए इसमें से एक काम करो, एक बार ना मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, आप नोट कर लें सर इसमें से अगर कुछ नोट करना आपको कोई वर्किंग नोट करनी है, वैसे तो आप साथ साथ लिख रहे होंगे ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड का ही सर, ये आपका कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। मैं एक काम करता हूं पहले ना इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़े आराम से मेरी बात सुने। देखिए सर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन ले रखा है, मैं बैंक के पास जाता हूं कि साहब जो लोन है ना
जो टर्म्स है ओरिजिनल, मैं उसके हिसाब से इसे पे नहीं कर पाऊंगा, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा उसके हिसाब से, हम एक काम करते हैं रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और मान लो सर जो बैंक है वो एग्री हो जाता है रिस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक जी सर, तो उस केस में सर मैं उसके अकाउंटिंग कैसे करूंगा? कहते सर सबसे पहले आपको ना एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक जी सर। उस कैलकुलेशन के बाद फिर आप देखेंगे कि आपको एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में जाना है, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में जाना है। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे? कहता है जिस डेट पे सर आपने रिस्ट्रक्चर कराया है उस डेट पे आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक जी सर, एग्जिस्टिंग लोन का। फिर आप क्या करेंगे सर, जो न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है उसकी पीवी कैलकुलेट करेंगे। और सर जो पीवी के लिए आप डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, ओरिजिनल ईआईआर यूज करेंगे। सर यहाँ पे ना बच्चों की क्वेरी आती है सर ओरिजिनल ईआईआर क्यों? क्योंकि सर ये जो अमाउंट आएगा ना आपका सर, क्योंकि ये भी ओरिजिनल ईआईआर के बेस पे है सर, इससे कंपेरेबल हो पाएगा, ठीक जी सर। साथ में सर आप क्या करेंगे सर, इसमें आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर कोई है तो उसका भी इम्पैक्ट ले लेंगे, ठीक जी सर। नेट ऑफ सर अगर मान लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में सर सामने वाली पार्टी ने कुछ हमें पैसे दिए, नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक जी सर। तो सर जो भी आपका, फिर से मेरी बात सुनना, पहले हम क्या करेंगे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सर जो न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर प्लस सर आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो यहाँ पे ये अमाउंट आएगा, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक जी सर। अब सर जो ये डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस का कंपैरिजन सर ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के साथ करेंगे। अगर ये डिफरेंस सर लेस देन 10% है तो सर हम उस केस में क्या करेंगे सर, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे। और अगर ये डिफरेंस सर 10% या उससे ज्यादा था, हम लोग क्या करेंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक जी सर। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है सर कि आप पुरानी लायबिलिटी को खत्म करके नई लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। अगर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई होती तो हम लोग क्या करेंगे सर, पुरानी लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, ठीक जी सर, एक्जिस्टिंग लायबिलिटी ठीक टू न्यू लायबिलिटी। अब सर जो यहाँ पे न्यू लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी सर, वो आपका न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की सर करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। सर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है सर, हम उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक जी सर, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम ये मान के चलेंगे सर वो सेटलमेंट के रिगार्ड में, ना कि न्यू लायबिलिटी के रिगार्ड में, ठीक जी सर। टू बैंक आ जाएगा सर, और सर डिफरेंस आपका पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर सर दो एंट्री बन सकती है, एक एग्जिस्टिंग लोन, दिस इज डेबिट, टू सर न्यू लोन। न्यू लोन में प्लीज ध्यान रखना सर, प्रेजेंट वैल्यू आएगी आपकी फ्यूचर कैश फ्लो की, जो न्यू कैश फ्लो होंगे सर, ठीक सर, बाय यूजिंग आपका करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक जी सर। डिफरेंस सर आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक जी सर। सेकंड सर आपका आपका सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक जी सर। या आप सर एक नेट एंट्री पास कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी टू न्यू लायबिलिटी टू बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, से डिफरेंस आपका पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक जी सर। अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है, इट मींस क्या सर, इट मींस ये कि हम लोग ना सर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में ही सर कुछ अमाउंट एडजस्ट कर देंगे, हम अलग से सर न्यू लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक जी सर। तो कहता है सर जो आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी सर, उसमें हम कोई गेन और लॉस बुक नहीं करेंगे, बट अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है, आपने क्या किया कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है, तो आप क्या करेंगे सर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक जी सर। जैसे मान लो सर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का अमाउंट अपना 5 लाख है, हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट 10,000 इनकर की, हम लोग पता क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे सर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी टू बैंक अकाउंट 10,000 से। अभी अमाउंट कितने से आ गया 490 से, जो न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है सर। सर अब इसको उनके साथ कैसे मैच करें, कहता आप यहाँ पे क्या करेंगे सर न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे, ठीक जी सर, अंडर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखता है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगा। डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड बोरोड रुपीज आपका सर 500 मिलियन है, तो आपका 50 करोड़ आ गया, ठीक जी सर। मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगा यहाँ पे, कोई नहीं, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा, ठीक जी सर। 50 करोड़ का सर उन्होंने क्या क्या लोन लिया, 1 जनवरी 2021 को द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज। इंटरेस्ट रेट सर आपका 11% है, मतलब सर आप इंटरेस्ट जो पे करेंगे सर 11% के हिसाब से पे करेंगे, ठीक जी सर। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सर इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि आप हर साल 10 करोड़ पे करेंगे, ठीक जी सर। तो अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की बात करूँ करोड़ में, तो 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, साथ में सर आपका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट सर कितने से आएगा सर, आपका 11% सर आपका कूपन रेट है, ठीक जी सर। तो सर पहला इंटरेस्ट सर आपका 5.5 करोड़ का आएगा, फिर आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग सर 40 करोड़ रह जाएगा एज पर द कूपन रेट सर, आप 4.4 आपका 3.3, 2.2, 1.1 सर, ये आपके कूपन रेट के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक जी सर। तो इनका टोटल सर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आ जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली ऑन एक्रुअल बेसिस, ठीक है। अप फ्रंट प्रोसेसिंग फी सर आपने 58,70,096 की सर अप फ्रंट फी पे की है, इट मीन्स क्या सर, देखिए सर फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, प्रोसीड्स अमाउंट एज रिड्यूस बाई सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बल्कि मैं ऐसे बोलूंगा सर फेयर वैल्यू एज रिड्यूस बाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक जी सर, एक्सेप्ट इन केस सर जहाँ पे आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी जो आपकी है सर, आप उसे हेल्प फॉर ट्रेडिंग रखते हैं या डेरिवेटिव है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, उसे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं, प्रोसीड्स के साथ उसे एडजस्ट नहीं करते, ठीक जी सर।
चलिए अब सर यहां पे अगर आप देखें तो जो नेट प्रोसिट चाहिए वो कितने चाहिए सर, 50 करोड़। सर 50 करोड़ माइनस आपका 58,70,096, सर ये अमाउंट आ गया अपना 49,41,29,904। देख रहे हो सीए का फायदा, करोड़ों में खेल रहे हैं, 49 करोड़ में खेल रहे हैं इस टाइम पर। ठीक जी सर। अच्छा अब सर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ईआईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सर इनिशियली अपना रिकॉग्निशन आ जाएगा सर, ये अपने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, तो हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा जो कि सर 11% के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि सर हम यहाँ पे ये कॉस्ट इनकर्ड करें तो सर इसे ओवर द पीरियड सर क्या करेंगे, टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करते हुए सर एलोकेट कर देंगे, ईआईआर निकालना पड़ेगा। सर क्वेश्चन को थैंक्स बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने सर यहाँ पे क्या किया, ईआईआर निकाल के दे दिया। ठीक जी सर। चलिए ऑन 31 दिसंबर X2, सर 31 दिसंबर X2 को सर आपका 2 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक जी सर, एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लें। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द विल कंपनी लिमिटेड टिल 31 दिसंबर X3 आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द टर्म्स ऑफ द लोन। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, ये इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हो जाएंगे और सर ईआईआर के हिसाब से हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। तो एक तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पे एमोटाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से आपका टेबल बना लेंगे 5 साल के लिए। ये देखिए सर 49,41,29,904। ठीक जी सर। ये सर आपका प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट आ गया और सर ये आपका ईआईआर के हिसाब से इंटरेस्ट आ गया। ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए, ये बात कर रहा सर कब की, 31 दिसंबर X2 की, 2 साल के बाद की। 2 साल के बाद सर क्वेश्चन में क्या घटना घटती है, ऑन 31 दिसंबर X2 डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड अप्रोच द बैंक। सर डब्ल्यू कंपनी बैंक के पास पहुंची, सिटिंग लिक्विडिटी इशू इन मीटिंग द कैश फ्लो। बोली साहब कैश फ्लो का इशू है, रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट एंड रीनेगोशिएट द टर्म्स ऑफ द लोन विद बैंक एज फॉलोज। अब सर यहां पे इस क्वेश्चन में ना सर देखिए ये मेंशन नहीं किया उसने कि 31 दिसंबर को उसने कौन सी पेमेंट की। 31 दिसंबर को सर उसकी 2 पेमेंट ड्यू थी X2 को सर, एक प्रिंसिपल के रूप में और एक सर ये इंटरेस्ट के रूप में। हमारी स्टडी मैटर ने सर जो इसका आंसर दिया ना, या मैं ऐसे बोलूं सर इंस्टीट्यूट के जितने पब्लिकेशन में सर ये क्वेश्चन आया सर, उन्होंने आंसर क्या दिया, ये मान के आंसर दिया कि यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो चुका है। हम लोग क्या करें सर एक नोट डाल देंगे एग्जाम के अंदर कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 31 दिसंबर X2 को हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है। ठीक, और अकॉर्डिंगली सर हमने क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक जी सर। चलिए एंड रीनेगोशिएट द टर्म्स ऑफ द लोन विद बैंक एज फॉलोज। सर ये इंटरेस्ट रेट 15% हो जाएगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग ऑन 31 दिसंबर X3। सर अब यहाँ पे 40 करोड़ का सर आपका अमाउंट बचा हुआ है, आप उसे सर क्या करें 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करें, मतलब 4 करोड़ हर साल। ठीक जी सर। तो हर साल सर आप 4 करोड़ पे करेंगे प्रिंसिपल के रूप में, बाकी सर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले साल सर इंटरेस्ट कितने आएगा सर, 40 करोड़ × 15% सर आपका 6 करोड़ आ गया। नेक्स्ट ईयर सर आपका आ जाएगा 36 करोड़ × सर आपका 15% सर 5.4 करोड़। ठीक जी सर, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा आगे फ्यूचर में। ठीक, रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एनुअल बेसिस आ गया, आपने एंट्री पास करनी सर 31 दिसंबर X3 तक। ठीक जी सर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें सर, पहले साल की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे सर, सबसे पहले हम लोन लेके आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर आपका बैंक लोन आ जाएगा 49,41,29,904। या सर दो एंट्री पास कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन सर 50 करोड़ से, और सर आपका बैंक लोन टू बैंक, क्योंकि प्रोसेसिंग फी सर हम लोग क्या करेंगे बैंक लोन के साथ ही एडजस्ट करेंगे सर, इसे डेबिट कर देंगे। ठीक जी सर, बैंक लोन को इतने अमाउंट से डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आइए एक बार आप, हमने यहाँ पे सर एक नेट एंट्री पास कर ली। ठीक जी सर। अब ईयर एंड पे सर हम लोग क्या करेंगे सर, ईयर एंड पे हम ये तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर, और ये पेमेंट करेंगे 15 करोड़ 50 लाख, डिफरेंस सर आपका लोन में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सर 31 दिसंबर X2 को सर हम ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, और सर यहाँ पे हम जो अमाउंट पे करेंगे सर सिर्फ 4 करोड़ 40 लाख पे करेंगे। हालांकि क्वेश्चन ऐसा सर स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन सर इंस्टीट्यूट ऐसा एज्यूम करके चल रहा। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब सर लोन का कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया, क्योंकि सर यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई हो गया या आपका एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, वर्किंग करनी पड़ेगी। पहली वर्किंग क्या रहेगी सर, सबसे पहले हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। देखिए सर कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा सर, ये अपना कैरिंग अमाउंट था 31 दिसंबर X1 का। ठीक जी सर, मैं आप लिख लेता हूँ 39,59,54,843। ठीक, 31 दिसंबर X2 को सर हमने क्या किया, 4,55,34,807 का सर इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। ठीक जी सर, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पे किया सर, वो आपके 4,40,00,000 से सर हमने क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पे किया। ठीक जी सर, पे किए।
39,59,54,843 प्लस सर 4,55,34,807 माइनस सर 4,40,00,000। सर ये अमाउंट आपका आ गया 39,74,89,650। ठीक जी सर, ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, ओरिजिनल EIR कितना सर आपका 11% नहीं सर 11.5% था, क्योंकि उसमें सर हमने जो प्रोसेसिंग फी थी सर वो भी एडजस्ट करनी पड़ेगी 11.5। ठीक जी सर, इस रेट के हिसाब से हम क्या करेंगे सर, न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की पीवी निकालेंगे। सर न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कितने आएंगे सर, अगले 10 ईयर तक सर आपके 4,00,00,000 हर साल प्रिंसिपल के रूप में, और सर बाकी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक जी सर, तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आ गए। ठीक जी सर, सर इनकी जो पीवी आई है सर वो आ गई है 45,15,22,791। ठीक जी सर, ये कैरिंग अमाउंट आ गया सर, ये डिफरेंस आ गया, ये परसेंटेज ऑफ कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक जी सर, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती तो हम लोग क्या करते सर, उसे भी इसमें ऐड करके सर फिर क्रॉस टैली करते। ठीक जी सर, मतलब फिर क्रॉस करते उससे। ठीक, अब सर क्योंकि यहाँ पे 10% या उससे ज्यादा डिफरेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे सर, एक्जिस्टिंग लोन को डेबिट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट किसे करेंगे सर, न्यू लोन को। अब न्यू लोन को सर कितने अमाउंट पे क्रेडिट करेंगे, कहता सर जो न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक जी सर, अब सर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, एक गैप और भी है, हैं हाँ जी, इस क्वेश्चन में सर इंटरेस्ट रेट 15% तो दे दिया, लेकिन करंट मार्केट रेट क्या है सर, 15% होगा जरूरी थोड़ा है, क्योंकि सर ये तो रीनेगोशिएशन हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे होता कि ये इंटरेस्ट रेट ना देके वो कहता कि आप क्या करेंगे, जो पूरी पेमेंट है ना 40,00,00,000 की, उसकी बजाय आप 10 ईयर के बाद हमें 90,00,00,000 पे करोगे, 100,00,00,000 पे करोगे, फिर इंटरेस्ट रेट क्या होता, तो मार्केट रेट होना चाहिए सर क्वेश्चन में यहाँ पे कायदे से, चाहे वो 15% ही क्यों ना लिख दे। सर अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको डीपली नॉलेज है बच्चों, तो आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सर मार्केट का रेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ने हमें मार्केट का रेट नहीं दे रखा, तो वी एज्यूम कि यही मार्केट का रेट है। ठीक, ये भी प्लीज आप नोट में लिख देना। ठीक, तो जब सर यही मार्केट का रेट होगा और जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो उसकी हम पीवी निकाल लेंगे, तो सर पीवी कितने से आएगी सर, उसकी पीवी सर अपना 40,00,00,000 के बराबर आ जाएगी, जो आजकल लोन है, तो टू न्यू लाइबिलिटी सर 40,00,00,000 से आ जाएगा, डिफरेंस सर आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक जी सर, ये देखिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है तो बैंक आ जाए, तो वो पीएनएल अकाउंट में डिफरेंस लगाता है। ठीक जी सर, अब सर ये न्यू लोन आ गया, इसे हम क्या करेंगे सर, जो करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट इज 15%, उसके हिसाब सर इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, और सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आ गया सर, ये आपका लोन फ्रॉम बैंक डेबिट आ गया। चले जी सर, चलिए यहाँ पे सिंपल सा है कि 4,00,00,000 का सर आपका प्रिंसिपल पे हो रहा है, और सर 6,00,00,000 का आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। चले जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका इंड एस वन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखता है। एन एंटिटी मैन्युफैक्चर पैसेंजर व्हीकल, सर एक एंटिटी मैन्युफैक्चर पैसेंजर व्हीकल बनाती है, ठीक है जी। द टाइम बिटवीन परचेजिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉ मेटेरियल टू मैन्युफैक्चर द पैसेंजर व्हीकल एंड द डेट ऑफ द एंटिटी कंप्लीट द प्रोडक्शन एंड डिलीवर टू इट्स कस्टमर इज 11 मंथ। देखिए जो टाइम है ना सर, बिटवीन आप जिस दिन सर क्या करते हो, रॉ मेटेरियल परचेज करते हो वहाँ से लेके, और सर जो पैसेंजर को आप व्हीकल देते हो, ठीक जी सर, प्रोडक्शन कंप्लीट करके डिलीवरी करते हो, 11 मंथ का है, और कस्टमर सर सेटल करते ड्यू आफ्टर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ, तो सर आपका ऑपरेटिंग साइकिल सर आपका 19 मंथ आ गया। ठीक जी सर, विल द इन्वेंट्री एंड द ट्रेड रिसीवेबल बी करंट, सर देखिए इन्वेंट्री सर जनरली करंट होती है क्योंकि हम हेल्थ फॉर ट्रेडिंग रखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल सर जो है, अगर ये इसकी सर ड्यू डेट जो है बैलेंसिंग डेट के सर वो 19 मंथ के अंदर सर ये करंट आ जाएगा। ठीक जी सर, Assuming that the production time was say 15 month, okay, and time lag between the date of sale and collection from customer 13 month, will the answer be different? Sir, same answer आ जाएगा हमारा, कोई answer अलग नहीं होगा। Inventory sir आपका current आ जाएगी, और sir अगर trade receivable की due date sir आपका balance date के within 28 month है, तो sir वो भी आपका current आ जाएगा। ठीक जी सर, चलिए question third का, ये sir बहुत ही बढ़िया question, ये question sir आपका Ind AS 105 का question है। On 1st September X1 Entity X plan to sell a group of asset and liability which is classified as a disposal group. देखिए सर, अगर हम नॉन करंट असेट को held for sale identify करते हैं या सर classify करते हैं, या आपका disposal group को सर नॉन करंट असेट या disposal group को held for sale classify करते हैं, सर हम किस डेट पे held for sale मानेंगे सर, उस डेट पे जिस डेट पे दो कंडीशन पूरी होगी सर। पहली कंडीशन सर, जो
आपका नॉन करंट असेट है या डिस्पोजल ग्रुप है सर, वो इमीडिएट अवेलेबल हो सेल के लिए, इमीडिएट अवेलेबल हो सर सेल के लिए। ठीक जी सर। हाँ, अगर कोई कस्टमरी सर आपका प्रैक्टिस है, कोई मान लो कस्टमरी सर आपका अप्रूवल वगैरह लेनी, तो सर हम उसे इग्नोर करते हैं। ठीक जी सर। मतलब हम मान लेते हैं सर कि वो आपका करंट कंडीशन में सर, प्रेजेंट कंडीशन में सर हेल्ड फॉर सेल है। ठीक जी सर। इमीडिएट मतलब अवेलेबल फॉर सेल है सर प्रेजेंट कंडीशन में। ठीक जी सर। सेकंड सर, जो सेल है मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। ठीक। ऑन 31st October X1 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव एंड बिकम कमिटेड टू द प्लान टू सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय एंटरिंग इन टू ए फर्म परचेज कमिटमेंट विद एंटिटी वाई। सर 31st October को सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, अप्रूव कर दिया और बिकम हो गया सर कमिटेड टू द प्लान टू सेल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक जी सर। सर यहाँ पे प्लान किया था, यहाँ पे उन्होंने सर कमिटमेंट कर ली 31st October को। ठीक जी सर। तो एक तरीके से सर हम कह सकते हैं कि 31st October को सर हाईली प्रोबेबल होगी सेल। ठीक। हाउएवर सिंस द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज ए रेगुलेटेड, द अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर इज नीड फॉर सेल। ठीक है। द अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर इज कस्टमरी एंड हाईली प्रोबेबल टू बी रिसीव्ड बाय 30th February। ठीक है। X2। वाओ, 30th February X2। सर ये 29th या 28th कर लेंगे आप। ठीक है, 28th कर लेते हैं। एंड द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 30th June। और सर जो सेल है वो आपका एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाई सर कब है, आपका 30th June को। ठीक जी सर। देखिए सर, सबसे पहले हम नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल कब क्लासिफाई करेंगे, डिस्पोजल ग्रुप को सर हेल्ड फॉर सेल कब क्लासिफाई करेंगे सर, जब दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी। पहली सर, वो इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल हो। ठीक जी सर। हाँ, अगर कोई कस्टमरी सर रेगुलेटरी अगर कोई परमिशन वगैरह लेनी है तो सर हम उसे सर इग्नोर कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि सर हम इस असेट को सर इसी कंडीशन में बेच देंगे। ठीक जी सर। और ये रेडी टू सेल है सर, और कस्टमरी सर अगर कोई रेगुलेटरी आपका अप्रूवल है तो वो मिल जाती है। ठीक। सेकंड सर, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सर 31st October का सर सेल हाईली प्रोबेबल हुई तो 31st October को सर हम लोग क्या करेंगे, असेट को सर क्लासिफाई कर देंगे एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक जी सर। अब बात सुनिए ध्यान से, अगर सर हमने असेट को क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल तो हम लोग क्या करेंगे सर, सर उसे दिखाएंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे और कैरिंग अमाउंट व्हिच एवर इज लोअर। ठीक जी सर। सर जो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर सर मान लो कोई डिस्पोजल ग्रुप है तो उसमें हम क्या करेंगे सर, उसमें ना सर जो भी कैरिंग अमाउंट होगा वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक जी सर। उस कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन सर किसके साथ करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। ठीक जी सर। अगर मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर कम है तो सर डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस होगा, और इंपेयरमेंट लॉस सर हम क्या करेंगे सर, एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंडेक्स 36 सर चार्ज कर लेंगे। अब सर इंडेक्स 36 में सर जैसे मान लो आपका फाइनेंशियल असेट कवर नहीं है, इन्वेंट्री कवर नहीं है, तो सर उनका सर जो वैल्यूएशन होगा वो रिस्पेक्टिव आपका इंडेक्स के हिसाब से सर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स के प्रोविजन के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो पहले अगर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, फिर सर बैलेंस सर जो आपका पीपी है, आपका इंटेंजिबल असेट है, या सर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो सर उसमें हम क्या करेंगे कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। ठीक जी सर। मतलब उन असेट के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करेंगे सर जिनके ऊपर सर इंडेक्स 36 के तरीके से एप्लीकेबल। ठीक। द असेट एंड लाइबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू दिस मैनुफैक्चरिंग यूनिट आर एज अंडर, कैरिंग वैल्यू सर आपका 31st March को है, कैरिंग वैल्यू सर 31st October को। तो सर ये जो कैरिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट किया होगा ये एज पर द प्रोविजन ऑफ सर आपका रिस्पेक्टिव इंडेक्स किया होगा। ठीक जी सर। द फेयर वैल्यू ऑफ द मैनुफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन 31st March X1 इज 2000 एंड एज ऑन 31st October सर आपका 1850। लेकिन हम सर जो कंपेरिजन करते वो फेयर वैल्यू के साथ नहीं करते, बल्कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ कंपेरिजन करते। ठीक। द कॉस्ट टू सेल इज 100 ऑन बोथ दिस डेट, तो सर आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से आ गया सर, आपका 1750 से आ गया। द डिस्पोजल ग्रुप इज नॉट सोल्ड एट द पीरियड एंड 31st March X2। सर ई रेंट तक भी सर ये डिस्पोजल ग्रुप अभी तक बिका नहीं था। ठीक है। तो हम लोग ई रेंट पे सर क्या करेंगे सर, सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे वैल्यूएशन का। ठीक। द फेयर वैल्यू एज ऑन 31st March X2 इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप। लेकिन सर 31st March को उसने बोल दिया कि जो फेयर वैल्यू है वो कम है लेकिन अमाउंट नहीं दिया, तो हम लोग सिर्फ थ्योरी में लिख देंगे कि सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो सर हम 31st October को कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक जी सर। असेस वेदर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एंड रीजन देयर फॉर, सर बिल्कुल ये क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल हो जाएगी, मैंने रीजन आपको बता दिए थे। इफ यस देन एट विच डेट, सर 31st October X1। मेजर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, सर कैसे मेजर करेंगे सर, कैरिंग अमाउंट और आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। सर कम कौन सा हो गया अमाउंट, यहाँ पे सर यहाँ पे अमाउंट कम है सर 1750, 2600 माइनस 1750 सर ये अमाउंट आपका आ गया 850। कितना अमाउंट आ गया सर आपका 850। तो 850 का सर इंपेयरमेंट लॉस आ गया, जिसमें से हम पहले क्या करेंगे सर, पहले हम गुडविल को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर, ये नील आ गया। फिर सर इस में से क्या करेंगे सर, जो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस है सर उसे प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग इसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट करेंगे सर, बाकी आपका अमाउंट रिस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से सर
आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक जी सर। तो सर 900 1850 के रेशो में से एलोकेट कर देंगे, 350 डिवाइड बाई सर आपका 2750 इंटू सर 900, सर ये अमाउंट आ गया आपका 1850 माइनस सर आपका इसमें से 115 सर आपका एडजस्ट हो गया किसके साथ सर, प्लानर मशीनरी के साथ, बैलेंस सर आपका लैंड बिल्डिंग के साथ, सिर्फ बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के साथ, हाँ जी 350 माइनस 115 सर 235, 900 माइनस 115 सर ये अमाउंट आ गया आपका 785, 1850 माइनस सर 235 सर 1615, बाकी सेम अमाउंट आ जाएंगे सर, इसका टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1750, मैं एक क्रॉस टैली करा देता हूँ, 785 जी सर, प्लस सर आपका 1615 जी सर, प्लस 1050 प्लस सर 400 माइनस 250 माइनस 1850, ठीक जी सर। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, मेजर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सर सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बस आपने थ्योरी में लिखना, ठीक जी सर। आइए मैं एक बार यहाँ पे आपको सॉल्यूशन टिक करा देता हूँ, ये सर आपका 31 अक्टूबर आ गया, हेल्ड फॉर सेल विद इन वन ईयर सर असेट सेल होनी चाहिए सर, 30 जून तक वो सेल हो जाएगी एक्सपेक्टेड है सर, ये 785 1615, ठीक जी सर। सर ये ई रेंट पे थ्योरी लिख रखी है, चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर थर्ड का भी आपका इंडेस 21 का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखता है, ऑन 30th जनवरी X1 ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर $5,000 फ्रॉम यूएसए सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस, सर 30th जनवरी, आगे डेट हम बाद में डालते रहेंगे, ठीक 30th जनवरी X1 को ए ने सर क्या किया, एक मशीन परचेज की $5,000 की, किससे सर, यूएसए के सप्लायर से क्रेडिट बेस पर, ठीक जी सर। ए लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज रुपीज, ठीक है, द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज आपका $60, सर देखिए एज पर इंडेस 21 सर अगर हम कोई भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते तो उसे हम क्या करते सर, उसे हम कन्वर्ट करते सर स्पॉट रेट के हिसाब से सर, ऑन द डेट ऑफ सर जिस दिन आपके ट्रांजेक्शन, ठीक जी सर। तो सर हम क्या करेंगे सर, 60 के हिसाब से सर यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आपका फॉरेन क्रेडिटर कितने से 5000 या फॉरेन सप्लायर सर 5000 इंटू 60 सर 3 लाख से, ठीक जी सर। मैं काम करता हूँ आपको एंट्री साथ साथ टिक करा देता हूँ, मशीनरी टू क्रेडिटर सर कब, 30th जनवरी को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखता है, द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिटरमाइंड ऑन 31st मार्च X1 इज $5,500। देखिए सर हम बैलेंसी डेट पे सर क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए अगर सर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो हम लोग क्या करेंगे सर, सर उसे ना क्लोजिंग रेट के हिसाब से रीअसेस करेंगे, रीस्टेट करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा सर पीएनएल अकाउंट के अंदर लेकर चले जाएंगे जी सर। अगर आइटम सर नॉन मॉनेटरी है तो हम ये चेक करेंगे सर, उसके ऊपर हम कॉस्ट मॉडल लगाते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं, अगर सर हम कॉस्ट मॉडल लगाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे रिवैल्यू करेंगे नहीं, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं सर हम लोग क्या करेंगे सर, जिस डेट पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं सर उस डेट पर सर जो भी आपकी फेयर वैल्यू होगी उसे सर मल्टीप्लाई करेंगे उस डेट के रेट से और सर जो भी यहाँ पे डिफरेंस होगा वो आपका जाएगा सर एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव आपका इंडेस, ठीक जी सर। जैसे सर यहाँ पे मशीनरी है तो मशीनरी को अगर हम रिवैल्यू करते हैं तो इंडेस 16 ये कहता है कि अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा, गेन सर आपका ओसीआई में जाएगा, तो सर यहाँ पे टोटल जो भी डिफरेंस होगा इंक्लूडिंग आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस सर कहाँ पे जाएगा, ओसीआई में, ठीक जी सर। द एक्सचेंज रेट ऑन 31st मार्च X1 इज $65। लास्ट में देखिए लिखता है ए लिमिटेड फॉलो रिवॉल्यूशन मॉडल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्ड में ए लिमिटेड रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करता है, ठीक जी सर। पास द जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च X1 एंड 31st मार्च एंड X2 अकॉर्डिंग टू इंडेस 21, ठीक जी सर। तो सर हम लोग क्या करेंगे 31st मार्च X1 को सर पहले सर ये मॉनेटरी आइटम इसे रीस्टेट करेंगे, डॉलर सर आपका 65 के हिसाब से रेट है तो $5 का सर अपने को नुकसान हो गया, हम एंट्री पास करेंगे सर पीएनएल अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक जी सर, टू आपका सर फॉरेन क्रेडिटर कितने से 25,000 से, ठीक जी सर। हम एक एंट्री और पास करेंगे सर, क्या एंट्री पास करेंगे सर, यहाँ पे अगर आप देखें तो
रिवैल्यूशन कितने से होगा सर? 5500 इंटू 65। हालांकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दो एंट्री पास कर रखी है, लेकिन आप एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। 5500 इंटू 65 सर, रिवैल्यूड अमाउंट आ गया आपका 357500। सर यहाँ पे बैलेंस था आपका पहले 3 लाख, तो 57500 सर आपका क्या जाएगा? सर रिवैल्यूशन गेन आ जाएगा, इंक्लूडिंग सर आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक जी सर, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे OCI में लेके जाएंगे। ठीक जी सर, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सर आपका आ जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 57500 से। और क्योंकि सर क्वेश्चन ने यहाँ पे टैक्स का रेट दे रखा, तो सर उसके ऊपर डेफर टैक्स आ जाएगा कितने से सर? 30% टैक्स का रेट है, तो सर आपका यहाँ देखिए सर टैक्स रेट 30%, तो DTL बन जाएगा 57500 इंटू 30% सर 17250 से सर आपका DTL बन जाएगा, जिसे हम OCI में ही चार्ज करते हैं। ठीक जी सर, OCI टू आपका DTL आ जाएगा। ये देखिए सर ईयर एंड पे P&L टू क्रेडिटर 25000 से सर, हमने इस एंट्री को कंबाइन कर दिया मशीनरी डेबिट 57500 से टू रिवॉल्यूशन सरप्लस सर आपका 57500 से रिवॉल्यूशन सरप्लस टू आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ठीक जी सर, चलिए आगे देखिए क्या लिखता क्वेश्चन। आगे देखिए द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर डन ऑन 31 मार्च X2 एंड द एक्सचेंज रेट सर उस दिन कितना 67 था। ठीक जी सर, द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी रिमेन अनचेंज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X2। ठीक जी सर, सर यहाँ पे आपका 2 का नुकसान हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे सर फॉरेन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से सर? आपका 5000 इंटू 65 सर 325 से टू बैंक अकाउंट 5000 इंटू 67 से सर 335 से P&L अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस 10000 से आ जाएगा। ठीक जी सर, अच्छा हम सर इसे फिर से रिवैल्यू करेंगे। अब सर जो रिवैल्यूड अमाउंट है सर इन फॉरेन करेंसी 5500 है, रेट सर आपका 67 हो गया, तो 5500 इंटू 67 सर ये अमाउंट आ गया आपका 368500। ओपनिंग अमाउंट था सर आपका 357500, डिफरेंस सर आपका 11000 आ गया इंटू सर 30% आपका DTL आ जाएगा 3300 से। ये देखिए मशीनरी टू रिवॉल्यूशन सरप्लस, रिवॉल्यूशन सरप्लस टू आपका DTL सर, क्रेडिटर P&L अकाउंट टू बैंक। चले जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 का ए सर, ये क्वेश्चन आपका इंडिया 16 का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड परचेज सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1st अप्रैल X1 एंड एस्टिमेटेड देयर यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया फॉलोइंग वर द ओरिजिनल कॉस्ट यूजफुल लाइफ ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द पीपी असेस्ड ऑन 1st अप्रैल X1। सर तो डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से कितना आ जाएगा सर? ये आपका 15 मिलियन है, मतलब सर आपका 1,50,00,000 है डिवाइड बाई 15 सर आपका 10 लाख से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे पर एनम, ठीक जी सर, ये भी आपका सर 10 लाख पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और सर ये आपका 5 लाख पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक जी सर, तो 25 लाख सर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम के हिसाब से। ए लिमिटेड यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन 1st अप्रैल X4 सर 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद सर जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा कितने से आ रहा होगा सर? इंटू 3, 30 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा, इंटू 3, सर 30 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा, इंटू 3, 15 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा, तो जो बैलेंस बचा होगा सर आपका 1,20,00,000 सर आपका 70 लाख सर आपका 20 लाख। ठीक जी सर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सर एक बार लिख लेते हैं, वैसे 12 यहां बची हुई है, 7 यहां पे और 4 यहां पे लिखता है ए लिमिटेड यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 1st अप्रैल X4 द एंटिटी रिव्यूड द फॉलोइंग यूजफुल लाइफ ऑफ द पीपी थ्रू एन एक्सटर्नल वैल्यूएशन एक्सपर्ट। सर ये आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसने बता दी। ठीक जी सर, देर वर नो सालवेज वैल्यू फॉर द 3 कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर इनिशियली और एट द टाइम ऑफ यूजफुल लाइफ।
एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द यूजफुल लाइफ. देखिए सर, एज पर आपका इंडिया 16, हम लोग क्या करेंगे सर, हर रिपोर्टिंग डेट पे सर जो भी कॉस्ट है, या सर आपका जो कॉस्ट की जगह हमने अमाउंट कंसिडर कर रखा, ठीक जी सर, उसको यूजफुल लाइफ को और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू को सर हम क्या करेंगे सर, रीअसेस करेंगे हर रिपोर्टिंग डेट पे. और अगर उसमें कोई भी चेंज आएगा तो सर उसमें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, और उसका इंपैक्ट हम क्या करेंगे सर, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे और उसे सर अलग से डिस्क्लोज करेंगे. ठीक जी सर. तो सर यहाँ पे यूजफुल लाइफ में चेंज आएगा कितना कितना सर, 10, 7 और 5. अच्छा 10 यहाँ पे, 7 यहाँ पे सेम है सर. ठीक जी सर. और यहाँ पे सर आपका 5. तो अब डेप्रिसिएशन कितनी से आएगा सर, यहाँ पे 12 लाख से सर, 10 लाख से सर आपका 4 लाख से, अब डेप्रिसिएशन सर 26 लाख हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमने सर यहाँ पे यूजफुल लाइफ में चेंज किया, जिसकी वजह से सर ये आपका एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और इसकी वजह से सर इंपैक्ट आपका 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन सर करंट ईयर के पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया. इसे हम क्या करेंगे सर, नोट्स अकाउंट पे इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक जी सर. चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंड एस 102 का क्वेश्चन है. एक्चुअली यहाँ पे ना दो क्वेश्चन है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फिर कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, पी लिमिटेड ग्रांटेड 400 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. सर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का मतलब क्या है, कि कैश सेटलमेंट. अगर कैश सेटलमेंट से हम लोग क्या करते सर, हर ईयर एंड पे सर हम लोग क्या करते सर, हर ईयर एंड पे सर जो भी आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी होगी सर, उसे हम कंसिडर करते हैं. ठीक जी सर. इक्विटी सेटलमेंट के केस में हम लोग क्या करते सर, ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू उसे कंसिडर करते हैं. ठीक. ईच टू 75 एम्प्लॉय ऑन 1st अप्रैल एक्स डायग्राम बनाते हैं. फर्स्ट अप्रैल एक्स वन को सर हमने 75 एम्प्लॉय को 400 सर क्या किया, एससीआर दी है. ठीक जी सर. फेयर वैल्यू कितनी सर आपका, 200 है. द टर्म्स ऑफ द अवार्ड एक्वायर द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 4 ईयर इन ऑर्डर टू अर्न अवार्ड. ठीक जी सर. सर जो टर्म्स ऑफ द अवार्ड है उसमें सर एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा सर, 4 साल काम करना पड़ेगा. तो एम्प्लॉय कब तक काम करेगा सर आपका, 31 मार्च X2 तक, 31 मार्च X3 तक, 31 मार्च X4 तक, 31 मार्च X5 तक. ठीक जी सर. द फेयर वैल्यू ऑफ ईच एसआर एट ईच रिपोर्टिंग डेट सर, फेयर वैल्यू कितनी है सर, 210, 220, 215, 218. ठीक जी सर. What would be the difference if at the end of the second year of service, P Limited modify the terms of the award to require only 3 years of service? Sir, ये आपका एक अलग question हो गया. Sir, इस question की requirement ही दे रखी है. हाँ जी, लिखेंगे आप requirement, past journal entry. ठीक जी सर. देख ले, एक बार चेक कर लो. नहीं सर, इसमें तो कहीं भी mention नहीं कर रखा. तो हम लोग क्या करें सर, अपनी साइड से लिख देते past journal entry. ठीक जी सर. आइए अब सर यहाँ पे देखिए, कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा. कोई एक्सपेक्टेड सर जो आपका टर्नओवर वगैरह है कि कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे सर, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे. तो हम लोग क्या मान के चलेंगे सर, सेम एम्प्लॉय सर टिल आपका वेस्टिंग पीरियड एंड तक रहेंगे. ठीक. तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 31 मार्च X2 को चलते हैं. कितने एम्प्लॉय हैं सर, 75. एक एम्प्लॉय को कितने एसआर दिए सर, 400. ठीक जी सर. तो हम लोग सर सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे सर आपका, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एसआर टू बी सेटल. ठीक जी सर. इंटू सर फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, क्योंकि सर एस आर है, कैश सेटलमेंट है. डिवाइड बाई सर आपका क्या आएगा, वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर इंटू सर आपका एक्सपायर्ड पीरियड. ठीक जी सर. 15.75 लाख आ गया. हम एंट्री पास करेंगे सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस टू आपका लाइबिलिटी फॉर एस आर. ठीक जी सर. या सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बी पी आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट के नाम से, लाइबिलिटी के नाम से एस बी पी लाइबिलिटी. ठीक जी सर. सर जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लें. सेकंड ईयर में चलते हैं. सेकंड ईयर में देखिए सर, यहाँ पे आपका ओपनिंग अमाउंट 0 था. सर सेकंड ईयर में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है सर सेम है, 75 × 400. सर अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू आपकी 220 होगी. ठीक जी सर. तो मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे, 220 से. डिवाइड बाई सर आपका वेस्टिंग पीरियड इंटू एक्सपायर पीरियड. सर आपका 33 लाख आ गया क्यूमुलेटिव अमाउंट. इसमें सर हम ओपनिंग अमाउंट माइनस कर देंगे तो करंट ईयर का अमाउंट आ जाएगा सर आपका सर 17.25. सर यहां पे आपका 75 × 400 × 215 डिवाइड बाय सर क्या आ जाएगा आपका, 4 × 3 सर 48.5
375। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू आपका लाइबिलिटी फॉर एसआर, ठीक है, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक, माइनस सर आपका 33, ये अमाउंट आ गया सर आपका 15.375। अब चलते हैं फोर्थ ईयर में सर, 75 इंटू आपका 400 इंटू सर आपका 218 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 सर 65.4 माइनस 48.375। देखिए सर, अगर मॉडिफिकेशन में वेस्टिंग पीरियड को रिड्यूस किया जाता तो हम लोग क्या करते सर, रिमेनिंग जो भी सर आपका एसवीपी है उसे सर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। अब यहां पे वो कह रहा है कि आपका आंसर क्या होगा अगर सेकंड ईयर के एंड में सर जो आपने एम्प्लॉय से काम कराना था आप सिर्फ कहां तक कराएंगे सर, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इफ एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ सर्विस, यहां पे प्रीलिमिनरी मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द अवार्ड टू रिक्वायर ओनली 3 ईयर ऑफ सर्विस, सर यहां तक केवल काम करना, ठीक जी सर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे सर, पहले साल सर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेता हूं 15.75। सेकंड ईयर में देखिए सर 400 × 75, मतलब ऐसे बोलूंगा 75 × 400 × सर आपका 220 सर डिवाइड बाई 3 × सर आपका 2 आ जाएगा सर, ये 44 लाख से अमाउंट आ गया माइनस 15.75 28.25। सर यहां पे जो अमाउंट आएगा सर आपका सर 475 × 400 × सर आपका 215, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट आ गया सर आपका 64.5 माइनस सर आएगा 44 सर 20.5, ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका इंडियस 115 का क्वेश्चन है। एएसटी लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर टू बिल्ड ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, द एंटिटी डिटरमाइन दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम, सर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है लेकिन उसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर सेटिस्फाई करना, इट मींस क्या सर, जो रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगी, ठीक। द एंटिटी, अच्छा, कंस्ट्रक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द 36 मंथ फॉर एन एग्रीड अपॉन प्राइस ऑफ 25 करोड़, सर 25 करोड़ एग्रीड अपॉन प्राइस है, 36 मंथ के अंदर सर आपने क्या करना सर, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कंप्लीट करना, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम सर आपने कंप्लीट करना, ठीक जी सर। द एंटिटी हैज अपॉर्चुनिटी टू अर्न ए परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन एज फॉलो, सर एंटिटी ने क्या किया सर, अपॉर्चुनिटी दी है कि परफॉर्मेंस बोनस आप अचीव कर सकते हैं, ठीक जी सर। 15% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा सर अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है कंप्लीटेड होता है 30 मंथ के अंदर, ठीक जी सर। सर देखिए हमें ओरिजिनली टारगेट मिला था 36 मंथ का, लेकिन अगर हम 30th मंथ में सर उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो सर 15% सर हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बोनस मिलेगा। आगे कहते हैं 10% बोनस मिलेगा अगर कंप्लीटेड होता सर 32 मंथ में, 40% चांस है, 5% सर आपको बोनस मिलेगा कंप्लीट होता 34 मंथ में, ठीक जी सर। देखिए सर ट्रांजेक्शन प्राइस में अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो सर आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के सर वहाँ पे दो मेथड, एक है सर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक मोस्ट लाइकली अमाउंट, ठीक जी सर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड की बात करें सर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर आप क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस पे वेटेड एवरेज अमाउंट निकालेंगे, ठीक जी सर। मोस्ट लाइकली अमाउंट का मतलब क्या सर, या तो अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, अगर मोर देन 50% चांस है तो हम पूरे अमाउंट को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज सर उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक जी सर। इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन AST Limited is entitled to a quality bonus of aapka 2 crore if a health and safety inspector assign the facility a gold star rating as defined by the agency in the terms of the contract. Sir, dekhiye contract mein sir kya hua hai? Sir, ye decide hua hai ki ek aapka health and safety inspector aayega, agar wo gold star de deta hai to 2 crore ka aapko bonus milega, performance bonus. To hum yahan pe sir kya karenge? Yahan pe sir hum log most likely amount dekhenge, theek ji sir. AST Limited conclude that it is 60% likely that it will receive the quality bonus, determine the transaction price. देखिए सर, सर 25 करोड़ का तो आपका क्या रहेगा सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा, ठीक जी सर। सर 2 करोड़ का सर आपको क्वालिटी बोनस मिल जाएगा क्योंकि मोस्ट लाइकली अमाउंट है और 60% सर चांस है,
सर अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस की। देखिए सर परफॉर्मेंस बोनस सर कैसे कैलकुलेट होगा, सर 15% चांस है कि हम उसे नहीं 25% चांसेस कि हम उसे 30th मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि हमें 15% सर बोनस मिलेगा और इसके चांस कितने सर 25% इसके चांस है। ये प्राइस आ गया, ये आपका सर क्या आ गया सर क्वालिटी बोनस आ गया। ठीक जी सर, तो 25 × 15% इंटू सर आपका 25% 0.9375। ठीक जी सर, सर 10% बोनस मिलेगा इसके 40% चांस है। सर 5% बोनस मिलेगा इसके 15% चांस है। सर 0.1875 सर 0% बोनस मिलेगा इसके कितने चांस हो गए सर, बैलेंस चांस इसके हो गए 20%। सर 2.125 का आपका सर परफॉर्मेंस बोनस आ गया, क्वालिटी बोनस सर आपका 2 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा सर 25 + 2.125 + 2 सर 29.125। सर एक अल्टरनेटिव और बन सकता है इसका, क्या क्वालिटी बोनस तो सर एज इट इज आ जाएगा। ठीक जी सर, हम लोग क्या करेंगे सर परफॉर्मेंस बोनस को प्राइस के साथ सर मर्ज कर देंगे। सर देखिए क्वालिटी बोनस में बाद में लिख देता हूँ। ठीक सर 25 ट्रांजेक्शन प्राइस है ओरिजिनल। ठीक जी सर, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलूँगा। ठीक जी सर, सर ये प्राइस आपका 115 हो जाएगा, 1.115 हो जाएगा सर। इस बात की प्रोबेबिलिटी सर आपकी 25% है। सर ये जो प्राइस है आपका 1.1 हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सर 40% है। सर ये प्राइस आपका सर 1.05 हो जाएगा सर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 15% है। सर ये जो प्राइस है सर ये आपका सेम रहेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सर 20% है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 × 1.15 × 25% सर 7.1875 सर आपका 11 सर 3.9375 5 सर 27.125 + क्वालिटी बोनस। चलें जी सर, ये देखिए सर, ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका इंड एस 38 का क्वेश्चन है। मुंबई चैलेंजर लिमिटेड ए लिस्टेड एंटिटी इज ए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ओइंग सेवरल क्रिकेट एंड हॉकी टीम्स। द इश्यू बिलो पर्टेन टू आपका द रिपोर्टिंग पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इशू है ना नीचे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये 31 मार्च 2022 के लिए है। मुंबई चैलेंजर लिमिटेड एक्वायर एंड सेल प्लेयर रजिस्ट्रेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस। सर मुंबई चैलेंजर लिमिटेड क्या करती है सर, जो प्लेयर है ना उनके रजिस्ट्रेशन एक्वायर करती है और सेल करती है। ठीक जी सर, रेगुलर बेस पे फॉर ए प्लेयर टू प्ले फॉर इट्स टीम। सर एक प्लेयर जो कि प्ले करेगा उसकी टीम में, मुंबई चैलेंजर लिमिटेड मस्ट परचेज रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्लेयर। सर उस प्लेयर के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन परचेज करना पड़ेगा। ठीक, दीज प्लेयर रजिस्ट्रेशन आर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द प्लेयर एंड द कंपनी। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग प्लेयर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड ट्रांसफर फी, लीग लेवी फी एंड प्लेयर एजेंट फी इनकर्ड बाय द क्लब एट द एंड ऑफ द ईच सीजन विच हैपन टू ऑल्सो बी द रिपोर्टिंग पीरियड एंड फॉर द मुंबई चैलेंजर लिमिटेड।
द क्लब रिव्यू द इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेयर एंड मेक डिसीजन एज टू वेदर दे विश टू सेल ट्रांसफर एनी प्लेयर रजिस्ट्रेशन। वो ये कह रहे हैं सर कि ईयर एंड पे जो क्लब है वो क्या करता है, रिव्यू करता है जो कॉन्ट्रैक्ट है प्लेयर के साथ, ठीक, और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि क्या उन्हें सर इन प्लेयर को ट्रांसफर करना है या इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेल करना है, ठीक। द कंपनी एक्टिवली मार्केट दीज रजिस्ट्रेशन बाई सर्कुलेटिंग विद अदर क्लब ए लिस्ट ऑफ प्लेयर रजिस्ट्रेशन एंड देयर एस्टिमेट सेलिंग प्राइस। प्लेयर रजिस्ट्रेशन आर ऑल्सो सोल्ड ड्यूरिंग द सीजन ऑफन विद परफॉर्मेंस कंडीशन अटैच्ड, ठीक है। इन सम केसेज इट बिकम क्लियर दैट ए प्लेयर विल नॉट प्ले फॉर द क्लब अगेन। सर कई केस में सर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो प्लेयर है वो अगेन प्ले नहीं कर पाएगा क्लब के लिए, बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल ए प्लेयर सस्टेनिंग ए कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी और बीइंग परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द प्लेइंग स्क्वाड फॉर एनी अदर रीजन, ठीक है। द प्लेइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन प्लेयर वर सोल्ड आफ्टर द ईयर एंड। सर यहाँ पे ना जो प्लेइंग रजिस्ट्रेशन है सर्टेन प्लेयर के सर वो सेल कर दिए आफ्टर ईयर एंड, मतलब आपका सर इसके बाद सेल किए, ठीक जी सर। फॉर टोटल प्रोसीड्स नेट ऑफ एसोसिएट कॉस्ट आपका 175 करोड़, दीज रजिस्ट्रेशन हैड ए नेट बुक वैल्यू 49 करोड़, ठीक है। मुंबई चैलेंजर लिमिटेड सीक योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्विजिशन एक्सटेंशन रिव्यू एंड सेल ऑफ प्लेयर रजिस्ट्रेशन इन द सर्कमस्टांसिस आउटलाइंड अबव। देखिए अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो सर देखिए हम एज ए इंटेंजिबल एसेट उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। अगर हम सर प्लेयर का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेल कर देते हैं, ठीक जी सर, तो सर उस केस में हम क्या करेंगे सर, जो भी सेल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट उसका डिफरेंस सर आपका पीनल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन सर अगर हम उसे उसका रजिस्ट्रेशन हेल्ड फॉर सेल रखते हैं तो फिर आपका इंडियस 105 के प्रोविजन लग जाएंगे कि सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल और आपका करंट कंडीशन में सर वो सेलेबल कंडीशन में, ठीक जी सर। अगर सर हम इम्पेयरमेंट की बात करें, देखिए सर इम्पेयरमेंट हम कब करेंगे सर, जब आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो सर कम है इन कंपेरिजन टू कैरिंग अमाउंट, ठीक जी सर। रिकवरेबल अमाउंट आपका सर हायर ऑफ टू आ जाएगा, एक आपका वैल्यू इन यूज आ जाएगा और एक सर आपका आ जाएगा सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक जी सर। जो भी सर इसमें से हायर होगा सर वो आपका क्या बन जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट, उसका हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सर, कैरिंग अमाउंट के साथ। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा सर आपका बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। लेकिन सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो प्लेयर का रजिस्ट्रेशन है सर, जो प्लेयर है सर वो आपका टीम का पार्ट है, तो हम सर एक टीम को सर, क्योंकि जो प्लेयर है वो इंडिविजुअल बेस पर सर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा, हम सर सीजीओ के हिसाब से यहां पे क्या करेंगे इंपेयरमेंट के प्रोविजन लगा के देखेंगे, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंडिया 36, ठीक जी सर। लेकिन सर अगर मान लो जो प्लेयर है वो आपका टीम का पार्ट नहीं है, आपका जैसे जो प्लेइंग स्क्वाड है उसका पार्ट नहीं बन रहा, तो सर फिर हम उसे इंडिविजुअल बेस पर क्या करेंगे सर, रिव्यू करेंगे, ठीक जी सर। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है यहाँ पे लिखने के लिए कि जो आपने यहाँ पे सेल किया है सर वो नेक्स्ट ईयर सेल किए हैं रजिस्ट्रेशन ना, तो सर ईयर एंड के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो सर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट आ जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक जी सर। एक बार इसका आंसर आप रीड कर लेना। एक्सप्लेन द फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर आपने जो फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर, उसे क्या करना सर आपने एक्सप्लेन करना, ठीक जी सर। सर पहला कौन सा, इंटीग्रिटी सर, सेकंड आपका ऑब्जेक्टिविटी सर, थर्ड आपका है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर सर, फोर्थ आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी और फिफ्थ कौन सा सर आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक। एक बार इसका आंसर सर आप रीड कर लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट पार्ट। एंटिटी ए ओन 250 ऑर्डिनरी शेयर इन कंपनी एक्स वाई जेड एंड अनकोटेड कंपनी, ठीक है। कंपनी एक्स वाई जेड हैज ए टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5000 शेयर विद ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। सर एंटिटी ए के पास आपका 250 इक्विटी शेयर है एक्स वाई जेड के, ठीक जी सर। कंपनी एक्स वाई जेड हैज ए टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5000 शेयर विद ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। एंटिटी एक्स वाई जेड प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड एट 70,000 पर ईयर, ठीक सर। उसका प्रॉफिट जो है एक्स वाई जेड का वो 70,000 है और उसके पास नंबर ऑफ शेयर सर टोटल 5000 है, ठीक जी सर। एन अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशो डिटरमाइंड फ्रॉम पब्लिश इंडस्ट्री डेटा इज 15 बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट। एंटिटी ए मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द डिस्काउंट फॉर द लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एक्स वाई जेड शेयर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रांसफर इज 20%, ठीक जी सर। देखिए सर सर यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख ले। आपने सर फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए का बताना है इन्वेस्टमेंट इन एक्स वाई जेड। देखिए सर हम यहाँ पे सर शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, दो तरीके। या तो हम क्या करेंगे सर, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सर, उसको पी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन सर आपका ना एमटीपी वन में एज ए केस सिनेरियो आया होगा, ठीक जी सर। 70,000 इंटू 15 सर 10,50,000 सर टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ गया, माइनस सर 20% आ जाएगा,
क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग सर 20% का डिस्काउंट रखेंगे, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी और आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर, ठीक 840 वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय सर आपका नंबर ऑफ शेयर 840 डिवाइड बाय सर आपका 5000, एक शेयर की वैल्यू सर 168 आ गई इंटू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाई ए इन एक्स वाई जेड इंटू 250 सर 42000। या दूसरा तरीका क्या सर, आप पहले क्या करेंगे अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे इनटू सर आपका प्राइस अर्निंग रेशो माइनस सर डिस्काउंट। चलें हाँ जी सर आइए, बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन द एफोर मेंशन पार्ट वन, assume that entity A estimate the fair value of the share its own in company XYZ using a net asset valuation technique. Sir, net asset valuation technique ke base wo valuation karna chahta hai. The fair value of company XYZ net asset including those recognized in its balance sheet and those that are recognized is 850. Sir, total jo net asset hai sir wo 850 ki hai. To sir 850 divided by sir number of share sir 170 share ki value aagi into 250. 170 into 250 सर 42500। चले हाँ जी सर आइए सर, यहाँ पे क्वेश्चन बी में आपको दो में से एक क्वेश्चन करना है। फॉलोइंग इज ए स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी ए एज ऑन 31 मार्च 2014। कंपनी ए इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 10 एज पर द रोड मैप विच फेस ऑफ द कंपनी फॉल इनटू। देखिए सर, सर 1 अप्रैल 2015 से कंपनियों के लिए सर ऑप्शन था, अगर वो चाहे तो इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं वॉलेंटरली बेस पे, ठीक जी सर। 1 अप्रैल 2016 से सर फेस वन में कंपनियां कवर की गई थी जिनकी नेटवर्क सर 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, और सर उसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कवर की गई, ठीक जी सर, मतलब लिस्टेड प्लस आपका नेटवर्क, अनलिस्टेड भी है तो भी नेटवर्क सर, ठीक जी सर। और 1 अप्रैल 2017 से सर जो आपका कंपनियां कवर की गई थी या तो लिस्टेड होनी चाहिए ओआर और सर नेटवर्क 250 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक जी सर। विल योर आंसर इफ चेंज इफ द कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी। सर हमें पहले नेटवर्क कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नेटवर्क सर सेक्शन 257 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 160 एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक जी सर, एज ऑन सर 31 मार्च 2014। 160 प्लस आपका 200 प्लस सर 150 रिवोल्यूशन रिजर्व सर इसमें नहीं आएगा, प्लस आपका 75 P&L माइनस सर आपने जो लॉस राइट ऑफ कर रखे हैं, राइट ऑफ नहीं कर रखे लॉस, ठीक 505 नेटवर्थ है सर। तो 1 अप्रैल 2016 सर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी दोनों केस में। चलिए जी सर चलिए, एज एट 31 मार्च X2 एन लिमिटेड कैरी ट्रेड रिसेबल ऑफ 280 करोड़ इन इट्स बैलेंस शीट। सर 31 मार्च X2 को एन ने सर क्या किया, सर उसकी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल आ रहे कितने के 280 करोड़ के, ठीक जी सर, एट दैट डेट उस डेट पे सर एन लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए फैक्टरिंग एग्रीमेंट विद एस लिमिटेड ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच इट ट्रांसफर द ट्रेड रिसीवेबल इन एक्सचेंज फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 250 करोड़। सर हमारे पास सर ट्रेड रिसीवेबल अपने 280 करोड़ के, हमने क्या किया सर 250 करोड़ के बेच दिया, ठीक जी सर। एज पर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट एनी शॉर्टफॉल बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड, सर जो सामने वाली पार्टी कलेक्ट करेगी अमाउंट एंड 250 करोड़ जो हमने पैसे लिए हैं विल बी रिमबर्स बाई एन लिमिटेड, हम उसे रिमबर्स कर देंगे, ठीक। वंस द ट्रेड रिसीवेबल हैव बीन कलेक्टेड एनी अमाउंट अबाउट 250 करोड़ लेस इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट विल बी रीपेड टू एन लिमिटेड, सर जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो काटने के बाद अगर 250 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो वो हमें पे कर देगा, ठीक। द डायरेक्टर ऑफ एन लिमिटेड आर ऑफ द ओपिनियन दैट द ट्रेड रिसीवेबल शुड बी डीरिकॉग्नाइज्ड। सर हम यहाँ पे बिल्कुल भी डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सर फाइनेंशियल सेट को हम डीरिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब सर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो रिसीव होंगे उसके सर राइट एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक जी सर, या फिर सर हम उसे सेल कर देते हैं, ठीक सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइम ऑफ एसी सर हमें देखने में ऐसा लगेगा लीगल फॉर्म के हिसाब से सर कि हमने इसे सेल कर दिया है, लेकिन सर क्योंकि जो आपके ट्रेड रिसीवेबल के रिस्क एंड रिवार्ड है सर सब वो किसके पास, अपने पास है, क्योंकि अगर अमाउंट एक्सेस आएगा तो हम अमाउंट वापस ले लेंगे, और अगर सर अमाउंट कम होगा तो हम अमाउंट पे कर देंगे। इट मीन्स क्या कि हमने सर सब्सटेंशियली आपका सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से सर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें ट्रेड रिसीवेबल को सर डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे सर, ये आपका फैक्टरिंग विद रिकोर्स है, और सर 250 जो हमने अमाउंट लिया सर उसे हम एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे, ठीक जी सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगी सर वो, और एक तरीके से वो सिक्योर लाइबिलिटी बन जाएगी इसके अगेंस्ट। सर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च X2 एंड ऑल्सो इवैल्यूएट दिस ट्रांजेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक, मैंने सर आपको पूरा आंसर दे दिया, आप एक बार आंसर रीड कर लेंगे। अंडर न्यू लेजिस्लेशन द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर टू इट्स फैक्ट्री बाय 30th September। देखिए सर, इंडेस 37 में सर, अगर मैं प्रोविजन की बात करूँ या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की बात करूँ, सर आपका पास्ट इवेंट मस्ट है। ठीक जी सर, द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर, इट मीन्स सर कोई भी पास्ट इवेंट नहीं हुआ। इट इज एज्यूम दैट ए रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ एनी आउटफ्लो एक्सपेक्टर। ठीक है सर, आउटफ्लो का एक्सपेक्टेड का एस्टिमेट है रिलायबल, लेकिन सर जब पास्ट इवेंट है ही नहीं तो सर हम लोग कोई भी यहाँ प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, डिटरमाइन वेदर एनी प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द एंटिटी ऑन 31st March। नो, 31st March X2 को सर, 31st March X1 में हम कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि सर कोई भी पास्ट इवेंट नहीं हुआ। 31st March X2 को सर देखिए, इन रिगार्ड टू सर आपका स्मोक फिल्टर, हम सर कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पेनल्टी है सर, क्योंकि हमें 30th September तक इसको लगाना था और हमने नहीं लगाया, तो सर फिर उस केस में सर पेनल्टी का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि सर देखिए, अगर सर हमें स्मोक फिल्टर लगाना था और हमने नहीं लगाया और उसकी वजह से पेनल्टी पे करनी है, तो सर पेनल्टी की जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी उसके लिए पास्ट इवेंट क्या हो जाएगा सर, आपका स्मोक फिल्टर को अटैच ना करना, ठीक है, फिट ना करना। ठीक जी सर, चलिए इसी के साथ सर अपना MTP2 भी समाप्त होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं और भी प्यारी प्यारी वीडियो सर इसी चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा CA Final FR के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते, वीडियो को अपने सब दोस्तों से शेयर करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सर, सारे सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, RTP ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, MTP1 मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, CA Final FR के सर जितने भी आपके MCQ हैं सर बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। और सर CA Final FR के ना अभी तक जितने भी केस सिनेरियो आए हैं सर, चाहे वो आपके RTP में आए हैं, MTP में आए हैं सर, या आपके बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे, वो सारे के सारे सर मैंने कवर कर लिए एक वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।